हेलो बच्चों, क्या हालचाल? एकदम मस्त। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुलॉम्स लॉ, और इसी पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। होता क्या है कुलॉम्स लॉ, इसका वेक्टर फॉर्म क्या है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम इसी पे बेस्ड जो भी इसके कॉन्सेप्ट होंगे उन्हीं को यूज करके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, जो आपके सीबीएसई से रिलेटेड और कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनसे रिलेटेड आपके रिलेवेंट में जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी हम यहाँ पे बनाएंगे। एक एक चीज करेंगे इसके अंदर, और कुछ भी चीज छूटे ना, वो सारे क्वेश्चन उस टाइप के हम करेंगे। लेकिन थोड़ा सा टाइम हमें पहले थ्योरी में देना पड़ेगा ताकि जान ले कि भाई थ्योरी क्या है, तभी तो हम न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। सो लेट्स डू इट, लेट्स बिगिन। तो कूलम्स लॉ है होता क्या है? सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन, आप इसे कूलम्स लॉ बोल लो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हो आप इसे। क्या बोल सकते हो आप? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आप इसको बोल सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा चलिए, होता क्या है कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है? देखो, जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, यानी कि कोई भी अगर दो मास है, मास का मतलब कोई भी दो प्लैनेट जिनका मास होता है डेफिनेट, उनके बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। आपने पढ़ा था, याद है? यानी कि दो कोई भी मास ऑब्जेक्ट है, मान लो एक बॉडी है जिसका मास m1 है और एक जिसका मास m2 है, मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूं। अब उसका इसके साथ क्या लेना देना है, आप ये कह सकते हो कि एनालोगस है दोनों, लेकिन दोनों बिल्कुल डिफरेंट फोर्स है, बस एनालोगी आप कह सकते हो कि दे आर एनालोगी, ओनली इतना ही यहाँ पे रिलेशन है, इसके अलावा और कोई रिलेशन नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बता रहा हूं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह से आप कह सकते हो कि ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? हमेशा अट्रैक्टिव होता है। कोई भी दो प्लैनेट, दो ऑब्जेक्ट जिनका मास होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी के कारण सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ। इसी के कारण जो सब प्लैनेट्स होते हैं, जैसे हम नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं, लाइक मून हो गया और जो भी मेटेरॉइड्स वगैरह है, वो सब भी एक्चुअली में इसी फोर्स के कारण ही रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या है कि अब यहां पे जो दो मास बॉडी है, अभी देख रहे हो दो मास बॉडी है, अब जो फोर्स था यहां पे ग्रेविटेशनल वो क्या था, जी एम वन एम टू अपॉन में आर स्क्वायर, ये था हमारे पास, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। यानी आपने इसको ऐसे डिफाइन किया था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडी joining their center। फिर ये फोर्स कंजर्वेटिव था, सेंट्रल था, ठीक है, और न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो करता था, एक्शन रिएक्शन पेयर भी बनाता था। लेकिन इस फोर्स की बात, जो खास बात थी वो केवल ये थी कि ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ये अट्रैक्टिव होता है हमेशा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन होता है, ये कभी भी रिपल नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है बच्चों? है तो बिल्कुल इसी का एनालोगी, लेकिन उसमें कुछ नई बातें आ जाती है। ठीक है, ये न्यूटन बाबा के द्वारा दिया गया फॉर्मूला था, और ये कूलम्ब यानी ऑगस्टन कूलम्ब जो है उनके द्वारा दिया गया ये फॉर्मूला है। टॉर्सन बैलेंस पे उन्होंने ये देखा था कि दो चार्जेस, टॉर्सन बैलेंस एक तरह से डिवाइस होता है, बहुत सेंसिटिव डिवाइस होता है आप ये कह सकते हो, जिसपे हल्के से हल्का फोर्स को भी मेजर किया जा सकता है। तो उन्होंने टॉर्सन बैलेंस पे ही इस फोर्स को मेजर किया था, यानी दो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल करते हैं, और उनकी मेजरमेंट स्ट्रेंथ क्या है, उन्होंने एक्चुअली में टॉर्सन बैलेंस के थ्रू ये मेजर किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कूलम्स लॉ में क्या है, कोई भी दो चार्ज बॉडी है, कोई भी दो चार्ज बॉडी है, मान लो एक पे चार्ज क्यू वन है, ठीक है, और एक पे चार्ज क्या है Q2 है, ये मैंने लेट कर लिया, दो चार्ज बॉडी A और B, दो चार्ज बॉडी A और B मैंने लेट कर लिया बच्चों, दो चार्ज बॉडी है
एक पे चार्ज Q1 है और एक पे चार्ज Q2 है, दो चार्ज बॉडी है, ठीक है। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है सेंटर, ये इसका सेंटर है इस चार्ज का, और इस चार्ज का सेंटर ये हो गया, तो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है, ठीक है, यानी दो सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है, ये हमने यहां पे लेट कर लिया है। अब यहां पे क्या है बच्चों, अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अब ये फोर्स रिपल्शन भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है। रिपल्शन का मतलब क्या हो गया कि भाई अगर दोनों चार्ज क्या है, लाइक चार्जेस है, आपको पता है जो लाइक चार्ज होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो या पॉजिटिव पॉजिटिव हो, ठीक है। और अगर दो चार्ज अनलाइक है, मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यानी फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड अट्रैक्शन, रिपल्शन एंड अट्रैक्शन, आप ये कह सकते हो फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड अट्रैक्शन, यहां पे जो फोर्स ऑफ रिपल्शन अट्रैक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अच्छा, अब मैं मैग्नीट्यूड को ना देखो, यहां पे जो भी हम निकाल रहे हैं ये हम इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे, हम केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। आपको पता है कि वेक्टर को हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एक तो भाई डायरेक्शन तो बताते हैं उसकी, है ना, यानी वेक्टर फॉर्म हो गया, और हम एक मैग्नीट्यूड में निकालते हैं। तो मोस्टली जो हम सवाल करते हैं वो एक्चुअली मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ही सॉल्व करते हैं, और अगर आप वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कर रहे हो तो उसके लिए आपको वेक्टर इक्वेशंस, पोजीशन वेक्टर्स बनानी पड़ती है। तो जो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन है बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। तो ये इसकी स्टेटमेंट है पूरी बच्चों, यानी जो फोर्स ऑफ रिपल्शन अट्रैक्शन है वो चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इतनी बात समझ लो। तो देखो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, यानी ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल लॉ था यहाँ पे, ठीक है, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, और जो कूलम्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला लॉ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस वहां पे मास है और यहाँ पे क्या है बेटा चार्ज है, इतना ही डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमेशा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन जो कूलम्बिक फोर्स होता है, कूलम्बियन फोर्स आप इसे बोल सकते हो, ये रिपल्सिव भी होता है नेचर में। चलिए अब इनको कंबाइन कर देते हैं, तो कंबाइन करने पे जो हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी, मैं यहाँ पे मॉडुलस साइन यूज नहीं कर रहा हूं, सिंपल में चार्ज लिख रहा हूं, q1 into q2 अपॉन में r स्क्वायर। ओके, ये है आपकी कूलम्स लॉ की डेफिनेशन, यही डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, डेफिनेशन से कोई वास्ता नहीं है। देखो ये वो पार्ट है अभी जो हम पढ़ रहे हैं जिसमें थ्योरी लगभग ना के बराबर आती है, आप समझ लो कि 1% थ्योरी है, ठीक है, और बाकी जो 99% यहां पे जो पूछा जाता है वो न्यूमेरिकल्स। तो आपको यहाँ पे थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना पड़ेगा, थ्योरी नहीं भी याद है तब भी चलेगा, हाँ मेन बातें याद होनी चाहिए, क्या क्या फोर्स है, कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है। तो थ्योरी यहां से नहीं पूछी जाती एग्जाम में, ये ध्यान रखना, बहुत रेयर पूछी जाती है, अदरवाइज यहाँ पे न्यूमेरिकल्स खूब पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल्स का ये पूरा का पूरा पार्ट है। चलिए अब यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट है, अब यहां से सारी कहानी शुरू हो जाती है बच्चों, जब ये प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट हटाया जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, के Q1 Q2 by R square। जब यहां से हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे K आ जाएगा, है ना। तो K यहाँ पे क्या है, K यहाँ पे होता है 1/4 pi epsilon naught। अच्छा, इसको हम बोलते हैं, पढ़ते हैं इसको, epsilon naught करके पढ़ा जाएगा इसको, इसका मतलब क्या होता है ये मैं भी बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। K यहाँ पे समझ लो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। देख सकते हो आप, यूनिट निकाल सकते हो, फोर्स का न्यूटन हो गया, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये इधर नीचे आके कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो K यहाँ पे है क्या, अब इस K के ना बड़े ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी है बच्चों के दिमाग में, कई बार इसको लेके
कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, ये मैं बताऊंगा क्या कंफ्यूजन है और दूर भी कर देंगे, इसी लेक्चर में दूर करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी इसका मतलब समझो कि ये क्या है, कूलॉम्स कांस्टेंट है, ये क्या है, कूलॉम कांस्टेंट है, ये इतना ध्यान रखना, कूलॉम कांस्टेंट बोलते हैं इसको हम, इसको हम या इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। और एक और नाम है इसका बच्चों, इसको आप सिंपल प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी बोल सकते हो, क्या बोलोगे, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, आप इन तीनों से आप इसको बोल सकते हो, इसके अलावा इसका कोई और मीनिंग नहीं है। हाँ, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ध्यान रखना, इट इज डायमेंशन, डायमेंशनल क्वांटिटी, ठीक है, डायमेंशनल होता है इसका, डायमेंशन होता है, अच्छा पर कूलॉम स्क्वायर है, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, पर कूलॉम स्क्वायर है, ओके, यहाँ पर कूलॉम स्क्वायर हो गई है, क्योंकि नीचे आ जाएगा ना सी, तो पर कूलॉम स्क्वायर। चलिए अब यहां पे जो एप्सिलॉन है इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं परमिटिविटी, क्या पढ़ेंगे इसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब भाई एयर होता है या वैक्यूम होता है, फ्री स्पेस का मतलब एयर या वैक्यूम होता है, ठीक है। और इसकी इसका जो वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻¹². अच्छा, ये रेसिप्रोकल दिख रहा है ना, यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट और एप्सिलॉन नॉट है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, तो यानी कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों, यानी जो यूनिट, इसकी यूनिट हो जाएगी पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलॉम्ब स्क्वायर हो जाएगी। ये दो वैल्यू आप याद रखना हर हाल में, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इन दोनों वैल्यूज को आप अब हर हाल में आपको याद रखनी है जब भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, लेकिन ये एक मीडियम को डिफाइन करने वाली क्वांटिटी है, जो इप्साई जो हम परमिटिविटी बोल रहे हैं, इप्साइलोन नॉट, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे, अभी डिस्कस करेंगे ये होता क्या है। चलिए थोड़ी सी और बात इसमें हल्की सी जो हमें डिस्कस करनी है, इस के को अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/4πε₀Q1Q2/r²। मैं कह रहा हूं आप इसको ऐसे याद रखना, ठीक है, ये यहां पे के होता है, इसको आप ऐसे करके याद रखना तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे जो के हो जाएगा 1/4πε₀ हो जाएगा प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर होती है बच्चों, ठीक है। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा के का डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, न्यूटन का क्या होता है, mLT-2 होता है ना, मीटर का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, और कूलॉम्ब का मतलब एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, कूलॉम्ब का मतलब एम्पियर, चार्ज होता है, ये चार्ज क्या होता है, करेंट इंटू में टाइम होता है, तो यानी एम्पियर क्या तो हो जाएगा एम्पियर ही, और एस को हम लिख देंगे कैपिटल टी, तो ये क्या हो जाएगा mL³T⁻¹। अच्छा, यहाँ c⁻²² है, तो यहां पे भी -2, यहां भी -2, a और t पर -2 -2 आ जाएगा, तो ये mLT-4a-2 के बराबर हो जाएगा, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब ऐसे आप इप्साइलन नॉट यानी कि परमिटिविटी, याद रखना क्या नाम है इसका, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका नाम याद रखना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं इसको हम, ठीक है। और वैल्यू कितनी है, 8.854 × 10⁻¹² पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलॉम्ब स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। अब यहां पर इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा बच्चों, क्या करना है, इसका बस इन्वर्स कर देना, जहां जहां यहाँ पे पावर है ना, पावर पे माइनस साइन चेंज कर देना, तो -1, L³-3, T⁴, a², ओके, तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। चलिए ये तो बात हो गई थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, ये इसकी स्टेटमेंट है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस, चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और जब प्रोपोर्शनल
आप हटाते हो यहां से प्रोपोर्शन सिंबल, तब यहाँ पे के आ जाता है, दैट इज अ प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट कहते हैं इसको हम, यानी कि इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं और इसको हम कूलॉम्स कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं। इसके तीन नाम है याद रखना, ये के कॉन्स्टेंट है, इसके अलावा और कोई इसका मीनिंग नहीं है फिलहाल अभी इसी में, ठीक है। यहाँ पे जो के है 1/4 pi epsilon naught होती है, epsilon naught एक्चुअली में परमिटिविटी ऑफ स्पेस होता है, यानी फ्री स्पेस आप कह सकते हो, एयर और वैक्यूम आ जाता है इसके अंदर, और इसकी वैल्यू 8.854 × 10^-12 पर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लिख ही दिया है, राइट। तो भाई ये थोड़ी सी जो होते ना, ये बिल्कुल बेसिक चीज है, ओके। यहाँ पे आपसे ये डायमेंशन फॉर्मूला शायद ही सीबीएसई में पूछे, लेकिन जो नीट वाले बच्चे होते हैं और जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप देते हो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स, ठीक है, वहां पे इनका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो चलिए आगे करते हैं, थोड़ी सी और बातें इसकी कि है क्या इसमें कुछ और इससे रिलेटेड बातें हैं। अब जैसे ही जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक जो फोर्स है यहाँ पे, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। अब ये जो होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये केवल रेस्ट चार्ज के लिए वैलिड होता है। रेस्ट का मतलब चार्जेस स्टेशनरी स्टेट में है तभी ये फोर्स लगता है, वरना नहीं लगेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एप्लीकेबल टू रेस्ट चार्ज, मतलब दो रेस्ट चार्ज के बीच में ये फोर्स एप्लीकेबल है। दूसरा यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, मतलब कंजर्वेटिव का मतलब आपको पता होगा, ये केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पाथ कैसा फॉलो किया जा रहा है दो चार्ज को जोड़ने वाला, केवल उन दोनों चार्ज का जो डिस्प्लेसमेंट है, उन दोनों चार्ज के बीच का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है, केवल ये उसी पे डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे, यानी कि इसलिए इसको हम कंजर्वेटिव फोर्स भी बोलते हैं। दूसरा इसमें जो ये फोर्सेस होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है, ये हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करेंगे, दो चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उनके सेंटर से जो लाइन पास हो रही है, ये हमेशा फोर्स लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। कहां एक्ट करेगा, एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, हमेशा वहीं पर ये एक्ट करेगा, ओके। और आखिरी बात इसकी मैं और करना चाहूंगा आपसे बच्चों, वो है कि ये एक्चुअली में एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएगा हमेशा। इसका मतलब क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ यहां पर फॉलो किया जाता है, थर्ड लॉ तो आ गया ना न्यूटन। भाई न्यूटन हर जगह है, इसके बिना तो फिजिक्स अधूरी है, साइंस में कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये इन बाबा के बिना तो भाई, न्यूटन बाबा के बिना तो सब कुछ अधूरा है, तो ये ध्यान रखना। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, और इसमें इसका वेक्टर फॉर्म बता रहा हूं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। देखो एनसीईआरटी में तो है इसका वेक्टर फॉर्म, और भी अदर बुक्स में दे रखा होगा, लेकिन हम बहुत इजी तरीके से समझेंगे इसका वेक्टर फॉर्म होता क्या है और उस वेक्टर फॉर्म का सिग्निफिकेंट क्या है, क्या यूज है उस वेक्टर फॉर्म का। चलिए तो देखो, मान लो हमारे पास दो चार्ज है और ये चार्ज क्या है, लाइक चार्जेस है। हमने क्या लिख कर लिया, दो लाइक चार्जेस है Q1 और Q2, ये दो लाइक चार्जेस है। अभी फिलहाल हम लाइक चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, अनलाइक के बारे में नहीं, केवल लाइक चार्ज। अब देखिए यहां पे ये जो है ना, इनके सेंटर को अगर मैं ज्वाइन करता हूं, राइट,
तो मान लो इनके बीच में डिस्टेंस क्या ये आर हो गया, क्या हो गया इनके बीच में डिस्टेंस आर हो गया। ओके ये चार्ज ए है और इस चार्ज को हम बी कहते हैं, ये ज्यादा बेटर है। अब देखिए दो लाइक चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, करेंगे कि नहीं, यानी दोनों लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अभी हम पहले इस फर्स्ट चार्ज को उठा रहे हैं, लेट करते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, यानी फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, इसको हमने F12 कह दिया है। क्या बोल दिया, F12, ये वेक्टर लगा दिया ऊपर मैंने, यानी कि अब यहां पे जो ये चार्ज है Q2, ये इसको क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा, इसको रिपेल करेगा। रिपेल का मतलब भाई बाहर की तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी, ऐसे करके इस बात को समझो। यहां पे Q1 चार्ज है, Q2 ने इस पर फोर्स लगाया, अब Q2 इस पर फोर्स लगाएगा, इसको धक्का देगा, तो मतलब इस तरफ फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, रिपल्शन में हमेशा फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ दिखेगी, चार्ज से बाहर की तरफ, और अगर अनलाइक चार्ज है जब अट्रैक्शन होगा तो चार्ज की तरफ फोर्स की डायरेक्शन आपको दिखानी है। ये डायरेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल में डायरेक्शन, यानी कि जो जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, सवाल करते हैं, उसमें फोर्स की डायरेक्शन दिखाना बहुत जरूरी होता है, वरना उसके बिना आप न्यूमेरिकल समझ ही नहीं पाओगे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये वेक्टर नोटेशन हो गया बच्चों, इसी को वेक्टर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो यानी कि हमारे पास क्या हो गया, फोर्स ऑन चार्ज Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है, F12 हो जाएगा। अब डायरेक्शन देखो क्या होगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये जो फोर्स है, यानी जो चार्ज है, सॉरी ये जो Q2 चार्ज है, इस पे जो फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, यानी R21, यानी 2 से 1 की तरफ इसकी डायरेक्शन है, चेक करो, यानी 2 से 1 की तरफ फोर्स ऐसे लग रहा है ना, B2A लग रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 2-2-1 हो जाएगी, है ना, तो इसको हम R21 लिखेंगे। ये पोजीशन वेक्टर है इसका। तो जो F12 है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है, K into Q1 Q2 upon R21 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, R21 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और आपको यहां पे इसका वेक्टर फॉर्म दिखाना है। भाई ये तो केवल मैग्नीट्यूड हो गया, वेक्टर फॉर्म दिखाने के लिए आपको क्या लिखना होता है, यूनिट वेक्टर लिखना होता है। आपको क्या लिखना होता है, यूनिट वेक्टर। आपको याद होगा आपने जब भी वेक्टर फॉर्म लिखा होगा वहां पे एन कैप ईटा कैप इस तरीके से आपने यूज किया होगा, यूनिट वेक्टर आप लिखते थे। तो यहां पे जो R21 है ये यूनिट वेक्टर है, इस तरीके से 2 से लेके 1 तक। ये क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ये क्या बताएगा हमें, डायरेक्शन बताएगा बच्चों, ये यूनिट वेक्टर हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन। तो ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 किस तरफ लग रहा है, ये बी से लेके ए की तरफ लग रहा है। कहां पे लग रहा है, बी से लेके ए की तरफ, यानी अलोंग बी ए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अलोंग बी ए हो गया। तो नाउ अब देखिए, R21 एक पोजीशन वेक्टर है, क्या ये पोजीशन, ये पोजीशन वेक्टर है बच्चों। अब पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं हम लोग, आपको याद होगा पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए क्या करते थे, मान लो ए बी है, अगर हमें इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है तो बी वेक्टर में से ए वेक्टर माइनस करते थे, X2 - X1 i कैप, Y2 - Y1 j कैप, और Z2 - Z1 k कैप, आपने 11th क्लास में वेक्टर एनालिसिस में सब पढ़ा था। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर आप निकाल रहे हो, तो यानी R21 जब फोर्स चार्ज 2 से 1 की तरफ है, तब इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा R1 - R2 हो जाएगा, यानी R1 - R2 हो जाएगा, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। और इसी प्रकार जो R21 कैप है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, यूनिट वेक्टर। ये हमें डायरेक्शन बता रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन किधर है। यहां पे जो फोर्स की डायरेक्शन है, सेकंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज की तरफ लग रहा है। ठीक है ना, तो यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, R21 वेक्टर अपॉन में R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस तरीके से लिखा जाता है इसको। ठीक है, यानी आप इसको कैसे लिख दोगे, एक तरीका और है, R1 - R2 वेक्टर अपॉन में R1 - R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके,
अब आप ये सारी वैल्यूज, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यहां रख दो इसमें, तो यहां पे जो हमारे पास फोर्स आ जाएगा एफ वन टू के इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन में, तो ये तो स्क्वायर है ठीक है, और आर टू वन किसके बराबर है, आर टू वन ये इसके बराबर है, आर टू वन क्या है, आर वन माइनस आर टू, आर वन माइनस आर टू और अपॉन में आर वन माइनस आर टू वेक्टर मैग्नीट्यूड, और ये भी मैग्नीट्यूड है, यानी ये हमारे पास इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे जब आप पुट करोगे आर वन माइनस आर टू का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना, आर टू वन ही हो जाएगा। अब भाई दोनों सेम है मतलब, तो क्यूब हो जाएगा ये, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जो फोर्स आ जाएगा यहां पे एफ वन टू इक्वल टू के टाइम्स क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर वन माइनस आर टू का होल क्यूब और इंटू आर वन माइनस आर टू, ऐसे करके हो जाएगा। तो बच्चों यही यहां पे क्या है, वेक्टर फॉर्म है इसका, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है। आप इसको और सिंपल तरीके से लिख सकते हो, मैं बताऊंगा और क्या तरीका सिंपल इसका लिखने का, ठीक है। ऐसे यहां पे सिमिलरली, सिमिलरली अब लेट कर लो कि भाई जो फोर्स है, फोर्स ऑन चार्ज, ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q2। अब मान लो इस चार्ज पे ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा, तो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी, रिपल्सिव फोर्स है तो भाई बाहर की तरफ होगी, यानी कि जो पहला वाला चार्ज सेकंड चार्ज पे फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन ऐसे आउटपुट हो जाएगी सेकंड चार्ज से, ठीक है। यानी कि यहां पे जो एफ टू वन है, अब देखो डायरेक्शन क्या होगी, यहां पे जो डायरेक्शन है सेकंड वाले केस में वन से लेके टू की तरफ हो जाएगी, किधर हो जाएगी, वन से लेके टू की तरफ ये डायरेक्शन हो गई, ओके। अब यहां पे ये जो टू और वन है ना, ये वन टू हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, तो ये सेम ही रिजल्ट आएगा बच्चों, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर वन टू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इंटू में आर वन टू कैप, ऐसे हो जाएगा। देखो जरा डायरेक्शन यहां पे सेकंड वाले केस में वन से लेके सेकंड चार्ज की तरफ है फोर्स की, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है, अभी हम लाइक चार्ज की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो यहां पे क्या हो जाएगा, के इंटू में क्यू वन क्यू टू, अब यहां पे जो आर वन टू है ना, ठीक है, ये बिल्कुल सेम इसकी कहानी है, ऐसे ही आर वन टू की कहानी बिल्कुल सेम ही है बच्चों। तो इसको आप क्या लिखोगे, आर टू माइनस आर वन, ऐसे करके, ठीक है, आर टू माइनस आर वन अपॉन में R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड का क्यूब हो जाएगा। मैंने सीधे लिख दिया ये R12 is R2 माइनस R1, और R12 यहां पे जैसे हमने ये लिखा था बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से लिख दिया मैंने यहां पे बच्चों F21। तो यानी ये दोनों जो केस है ये वेक्टर फॉर्म है, यानी एक दूसरे पे जब चार्जेस फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो उनपे जो वेक्टर फॉर्म है फोर्स का वो इस तरीके से इनका एक्सप्रेशन आता है। अच्छा, इसको मैं सिंपलेस्ट तरीके से लिख के दिखा रहा हूं, बट इससे पहले एक छोटी सी बात और यहां पे मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। जैसे R12 जो कैप है ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 अपॉन में R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, R वेक्टर अपॉन में R वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे होता है ना यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई A वेक्टर अपॉन A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर होता है। अब देखिए यहां पे जो R21 कैप है और ये क्या है, R1 माइनस R2 है ना, एक तरह से देखा जाए तो माइनस F21 हो जाएगा माइनस F21 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई यहां पे इस वाले एक्सप्रेशन में, इन दोनों एक्सप्रेशन में केवल नेगेटिव साइन का अंतर है, केवल माइनस साइन का अंतर। आप देखो जरा, ये R1 माइनस R2 है, R2 माइनस R1 है, तो F21 हो जाएगा। सर नीचे वाले का क्या हुआ बच्चों, ये मैग्नीट्यूड है, ये डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, ये डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, यानी कि R21 मैग्नीट्यूड और R12 मैग्नीट्यूड ये R के ही बराबर है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ये डिस्टेंस ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो भाई इससे हमें क्या पता चल रहा है, अच्छा ये सॉरी ये R21 लिख लो इसको, R21 होगा ये, R21 क्या, इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखो ये वाला एक्सप्रेशन फर्स्ट और ये सेकंड एक्सप्रेशन, इन दोनों एक्सप्रेशन से हमें ये पता चल रहा है कि
कि F12 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस F21 हो जाएगा, F12 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस F21 हो जाएगा। और इसी की वजह से हम क्या बोलते हैं कि भाई जो जो इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स है ठीक है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, यहां से न्यूटन्स थर्ड लॉ हो जाएगा। और इसी के कारण हम इसको बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस दे फॉर्म द एक्शन रिएक्शन पेयर, मतलब दोनों चार्जेस एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एग्जर्ट करते हैं। ये बात समझ आई? गुड। अच्छा मैं इसको ना थोड़ा और आसान तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं, ठीक है। ये तो फिलहाल अभी काफी बहुत ही ज्यादा वेक्टर फॉर्म हो गया इसका, ठीक है। इसको मैं और सिंपल तरीके से करके दिखा रहा हूं आपको कि आप इसको कैसे समझ सकते हो। देखो दो चार्जेस है हमारे पास, अगेन लाइक चार्ज की बात कर रहा हूं दोबारा से, ठीक है। हमें पता है कि भाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर है, है ना। अब यहाँ पे जो Q1 पे Q2 फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, F12 हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे Q2 पे जो Q1 फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, F21, ऐसे हो जाएगी। ये बात समझ आई, ठीक है। अब नाउ यहाँ पे अगर हम इसी को उठाते पहले, यानी फोर्स फोर्स ऑन चार्ज, ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, ये क्या हो जाएगा, F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। इसको मैंने चेंज नहीं किया है यहां पे, ये नया है बस, ओनली बस ये नया है। और यहां पे क्या हो जाएगा, R R21 कैप हो जाएगा। क्यों हुआ ये, क्योंकि भाई फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 2 से 1 की तरफ हो जाएगी, है ना। ये डायरेक्शन ऐसी तो होगी भाई। और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। किसका, यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। तो यूनिट वेक्टर ये यूज कर लिया हमें हमने, और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, अलोंग बी ए हो जाएगी। इतनी सी बात है बस ओनली। उसमें मैंने R को क्या लिखा था, R21 लिख दिया था, यहां पे मैंने R को अब R लिख दिया है, और कुछ नहीं लिखा यहां पे, ठीक है। अब यहां पे जो R21 है बस इसको लिख लेना इस तरीके से बच्चों, R1 माइनस R2 का जो पोजीशन वेक्टर है उसका जो डिफरेंस होगा, ठीक है, और अपॉन में R, सिंपल R लिख दो ओनली, और कुछ नहीं करना है। यानी R वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, यहां पे जो R12 होगा बच्चों, ठीक है, R12 इक्वल इसका जो मैग्नीट्यूड है और R21 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। जो आप यहां पे लिख रहे हो ना ये R21 पोजीशन वेक्टर, भाई इसका मैग्नीट्यूड R ही है, इन दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस वही है ये, ठीक है। चलिए ये पहली बात होगी यहां पर। अब यहां पर क्या होगा, ऐसे ही फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 क्या हो जाएगा ये, यानी F21 लिख लो इसको। यानी अब यहां पे इस वाले फोर्स की हम बात कर रहे हैं, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चार्ज 1 से 2 की तरफ ये डायरेक्शन हो जाएगी यहां पर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर और इंटू में R R12 का यूनिट वेक्टर, ठीक है ना भाई। ये हो गया, और ये फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अलोंग ए बी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अलोंग ए बी हो जाएगी। अब देखिए आर वन टू का आप क्या लिख सकते हो, आर टू माइनस आर वन अपॉन में आर, ऐसे लिख दोगे इस यूनिट वेक्टर को, है ना। इस यूनिट वेक्टर को आप ऐसे लिखोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर वन टू अपॉन में आर। और इसमें किसका अंतर है, माइनस का अंतर है। देखो जरा गौर से इस वाले एक्सप्रेशन में और इस वाले एक्सप्रेशन में माइनस का अंतर है कि नहीं। माइनस, यहाँ पे R1 माइनस R2 है, यहाँ पे R2 माइनस R1 है, तो माइनस का अंतर है। तो R21 कैप इक्वल टू माइनस R12 हो जाएगा। समझ आई बात, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो F12 क्या हो जाएगा, माइनस F21 हो जाएगा। देख रहे हो ना, इन दोनों में जो R21 है
और यहाँ पे R12 है, इन दोनों में केवल नेगेटिव साइन का डिफरेंस है ना, तो माइनस आ जाएगा। तो यहां से भी हमें सेम बात निकल के आ रही है भाई, एक्शन रिएक्शन पेयर यहां पे बन रहा है, ठीक है, जैसा हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भाई ये दोनों के दोनों चार्ज एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगाएंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, ठीक है। चलो, इन सारी महाभारत में हमें क्या याद रखना है, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट बच्चों वेक्टर फॉर्म का यही है कि वेक्टर नोटेशन से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, ठीक है, और क्या कहते हैं, पोजिशन वगैरह चार्ज की जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सारे इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस, आप डायरेक्शन वगैरह इसमें इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, ये इसका बहुत ज्यादा वेक्टर फॉर्म का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आप दोनों निकाल सकते हो। चलिए, अब थोड़ी सी इसमें हमें याद क्या रखना है सर, इस वाले केस में हम क्या याद रखे, आपको हम बताते हैं आपको क्या याद रखना है। आपको ये लॉ ऐसे याद रखना है, F12 इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 मैग्नीट्यूड क्यूब और इंटू R1 माइनस R2, ये ऐसे याद रखना है, R21 हो जाता है ना, हाँ, तो आपको ये वेक्टर फॉर्म याद रखनी है, इसका और कोई मीनिंग नहीं है। नीचे आप चाहो तो R क्यूब लिख सकते हो, इतना और कर सकते हो, ठीक है, इसको आप ऐसे और लिख सकते हो, अगर जनरलाइज करना है तो आप इसको ऐसे कर लो, वैसे कई सारे तरीके होते हैं, तो इतने सारे तरीके बताऊंगा आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, तो क्या फायदा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी वेक्टर फॉर्म ही है बच्चों, ठीक है, ये सारे इसके वेक्टर फॉर्म है। चलो अब स्टार्ट करते हैं आगे हम जरा, खत्म ऑलमोस्ट, ये आपकी थ्योरी खत्म होने वाली है, एक परमिटिविटी और बतानी है मुझे, उसके बाद आपका थ्योरी खत्म हो जाएगा पूरा। चलो, परमिटिविटी, अब इसके नाम गिनाने शुरू करने पड़ेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, इसका एक और नाम है बच्चों डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, क्या बोलते हैं इसको हम, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, और एक नाम और है इसका, परमिटिविटी, हाँ अच्छा, इसको है ना हम परमिटिविटी ना करके रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे इसको, इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी तो डिफरेंस में आ जाएगा, डिफाई सॉरी रेशियो में आ जाएगा, इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी करके पढ़ रहे हैं, ठीक है, या तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कांस्टेंट इसको इप्साइलन आर या हम के से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला के और जो इससे पहले हमने के पढ़ा था, दोनों अंतर है, ठीक है, दोनों में अंतर है, इनमें कोई लेना देना नहीं, ये के और वो के अलग है, बिल्कुल अलग है, एकदम अलग है, बताऊंगा क्यों। चलो सबसे पहले लेट करते हैं, इसको डिफाइन कैसे करना है हमें। अच्छा, इससे पहले तो मैं आपको पहले परमिटिविटी की डेफिनेशन बता देता हूं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है, और इसको मैं क्या लिख रहा हूं, एप्सिलॉन लिख रहा हूं सिर्फ ओनली, परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है, देखो नाम से समझ आ रहा है, परमिट करने वाला, परमिटिविटी परमिट करने वाला, जो मीडियम होता है ना वो चार्जेस पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है, मतलब थोड़ा सा उनको जो उनके जो क्या कहते हैं क्षेत्र होते हैं वो लिमिटेड कर देता है, और वो डिसाइड करते हैं मीडियम, वो अलाउ करते कितनी लाइन ऑफ फोर्स निकलनी चाहिए, ठीक है, कितना वो फोर्स एक दूसरे पे, मैक्सिमम फोर्स एक दूसरे पे वो एग्जर्ट कर सकते हैं, यानी दो चार्जेस किसी मीडियम में आने के बाद, किसी मीडियम में रखने के बाद, ठीक है,
उन चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये मीडियम बताता है। यही परमिटिविटी है, इसके अलावा और कोई इसका मतलब नहीं है। तो परमिट करने वाला, सिंपल सी बात समझ लो, जो मीडियम परमिट करे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलनी चाहिए, कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं। और इसको मेजर जिस भी क्वांटिटी, जो भी हम इसका मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना, जो भी इसकी फिजिकल क्वांटिटी आती है उसे हम बोल देते हैं भाई, जो एप्सिलॉन वगैरह वैल्यू हम जो यूज कर रहे हैं वो परमिटिविटी ऑफ स्पेस हो गया या मीडियम हो गया। तो मतलब परमिटिविटी का मतलब यही होता है बच्चों कि भाई कि कोई मीडियम कितना अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट करने के लिए एक दूसरे पे, चार्जेस पर। तो इसको अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन लिखे तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। क्या बोल दिया मैंने, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच परमिट, या विच परमिट लिख दो, विच परमिट्स how much electric force will charges exert on each other। ठीक है कि भाई, एक तो मीडियम की प्रॉपर्टी है कि कितना इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस एक दूसरे पर एग्जर्ट करेंगे, और रिलेटिव परमिटिविटी क्या है भाई, ये रेशियो हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेशियो है। अभी हम करने जा रहे हैं, इसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट करते हैं जरा, मान लो दो चार्जेस हैं, ठीक है, ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, डिस्टेंस R पे रखे हुए हैं। कहां पे, ये एयर में रखा हुआ है, एयर कह लो या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम में रखा हुआ है। तो यहां पे जो फोर्स लगेगा वैक्यूम में क्या हो जाएगा, 1/4π epsilon not Q1 Q2 upon R square, यही होगा, ये कूलॉम्स लॉ हो गया। तो दो चार्ज के बीच में जब वो स्पेस में रखे हुए हैं तब उनके बीच में जो फोर्स होगा ये हो जाएगा F वैक्यूम इज, सही या गलत, अरे बोलो, हाँ ठीक है। चलो ऐसे यहां पे क्या होगा, ऐसे अगर मान लो इन दोनों चार्ज को मैं किसी मीडियम में रख दू, पानी में, किसी भी दूसरे केरोसिन ऑयल में रख दिया, ठीक है, माइका के अंदर रख दिया, कोई भी मतलब मीडियम रख दिया जो एयर के अलावा कुछ और मीडियम है, ठीक है, इसको हमने किसी और दूसरे मीडियम में रख दिया, ठीक है, दूसरा मीडियम है ये, इसको हमने इंसर्ट कर दिया, और डिस्टेंस वही है, हमने डिस्टेंस चेंज नहीं किया है, चार्ज की वैल्यू भी चेंज नहीं की है, सेम डिस्टेंस है। तो यहां पे मीडियम में फोर्स क्या लग जाएगा, 1/4π εm लिख लेते हैं इसको हम, ठीक है, इप्सिलॉन एम लिख रहे हैं, एम का मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और Q1 Q2 by R square, ये हो गया फोर्स इन अ मीडियम, ये फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम, दोनों का क्या कर दो अभी, डिवाइड कर दो, F वैक्यूम अपॉन में F मीडियम, तो क्या आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो भाई देखो ये दोनों वैल्यू तो कट जाएंगी सारी, ठीक है, ये पाई 4π कट जाएगा, नीचे EM है और यहां पे नीचे E नॉट है, तो अगर जब डिवाइड करोगे 1/E0/1/EM हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये EM/E0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, EM/E0, और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग, इप्साइलॉन आर, या फिर हम इसको K बोलेंगे, यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यानी रिलेटिव परमिटिविटी है। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ टू मीडिया, यानी कि टू मीडियम आप लिख सकते हो, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ टू मीडियम, ओके। अब EM जो है यहां पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, ये ध्यान रख लेना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो जाएगा, और E नॉट यहां पे आपको पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है भाई, यही डेफिनेशन है परमिटिविटी की। तो मतलब इसे ही हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। आगे आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे पोलराइजेशन, जब आप पढ़ोगे, जब वहां पे आप पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन आप पढ़ोगे जब वहां पे, तब भी वहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात आएगी, ठीक है, कि कैसे हम
किसी भी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को यानी डायलेक्ट्रिक को पोलराइज कर सकते हैं। तो डायलेक्ट्रिक एक तरह से आप मटेरियल कह सकते हैं, मटेरियल ही होता है, मीडियम होता है, और इस डायलेक्ट्रिक को मेजर करने के लिए जो हम वैल्यू यूज करते हैं उसे हम डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोलते हैं। हर एक की वैल्यू अलग अलग होती है डायलेक्ट्रिक की, ठीक है, किसी की 80 होती है, किसी की 100 होती है, किसी की 120 होती है। जैसे वाटर है, मैं एग्जांपल लेके बताता हूं आपको, ये नोट कर लो सारा कुछ। तो देखो परमिटिविटी, जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है, ईएम बाई ई नोट होता है परमिटिविटी ऑफ, यहाँ पे जो क्या कहते हैं मीडियम है, और परमिटिविटी ऑफ जो फ्री स्पेस है, इनका रेशियो होता है, इतना ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक छोटी सी और बात और निकाल के निकालनी, यहाँ पे जो यहाँ पे ईएम हो जाएगा बच्चों, वो देखो ई आर इंटू ई नॉट हो जाएगा, आप ये कह सकते हो, या फिर जो ईएम है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, के टाइम्स ई नॉट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे जो डायलेक्ट्रिक फोर्स, जो यहाँ पे सॉरी जो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा इन अ मीडियम, किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एम इनटू में q1 q2 बाय r स्क्वायर, ये लिखा था हमने एक्सप्रेशन। किसी मीडियम में जो डायलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। अब em हमारे पास किसके बराबर है, er और e नॉट के बराबर है, तो इसको इसकी जगह रख दो, है ना, यानी em की जगह हम क्या रख देंगे, e नॉट इनटू में er। तो एक बात याद रखना, जब भी आप इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल रहे हो किसी भी मीडियम में, और एयर है वैक्यूम में, ऑलरेडी आपको इलेक्ट्रिक फोर्स गिवन है, तो मीडियम में आने के बाद जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ई आर टाइम्स कम हो जाता है। तो यानी कि आप देखो जरा, जो एफ एम है क्या हो जाएगा, एफ वैक्यूम अपॉन में ई आर हो जाएगा, ठीक है, ई आर या के लिख सकते हो, के टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इन इन मीडियम इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीजेस बाय के टाइम्स, ठीक है, के टाइम्स या ई आर टाइम्स, के और ई आर सेम है, ये डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। अच्छा, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, के और जो ई आर है एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ध्यान रखना, ठीक है ना, के और ई आर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इस बात का याद रखना कि इसकी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता इसका। हाँ, जो हमने पढ़ा था ना कूलम्स फोर्स में, ये वाली वैल्यू भाई, ये के अलग है, ये जो के हमारे पास, ये वाला के अलग है और ये वाला के अलग है, ये डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, और वो जो के था वो प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट है, इलेक्ट्रिक फोर्स कॉन्स्टेंट बोलते हैं, कूलम्स कॉन्स्टेंट बोलते हैं, इतना ध्यान रखना। चलिए, इतनी तो बात यहां पे हमारे पास आ गई है, राइट। एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल ये है कि वैक्यूम में जो फोर्स है वो है 160 न्यूटन बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। तो व्हाट विल बी द फोर्स इन वाटर ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K इक्वल टू 80। वाटर का डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 80 होता है। तो भाई सिंपल सी बात है, वाटर में आने के बाद जो ये फोर्स है वैक्यूम वाला, वो कितना टाइम्स कम हो जाएगा, K टाइम्स कम हो जाएगा, है ना। तो यानी कि वैक्यूम में फोर्स कितना है, 160 है, और वाटर में जो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है उसका वाटर का 80 है, काट दो तो कितना हो गया यहाँ पे, 2, केवल 2 न्यूटन। यानी कि यहाँ पे जो फोर्स है वो लगभग 80 गुना कम हो गया। तो जो वाटर है वो दो चार्जेस पे बहुत ही कम फोर्स लगाने के लिए अलाउ करता है, ठीक है। जो दो चार्जेस जो एयर में मैक्सिमम फोर्स के साथ एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट कर लेते, वही फोर्स वाटर में आने के बाद 80 टाइम्स कम हो गया, यानी 2 न्यूटन के बराबर हो गया। तो देख लो डायलेक्ट्रिक से कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो वैक्यूम में सबसे ज्यादा फोर्स यानी कि स्वतंत्रता मिलती है दो चार्जेस को फोर्स लगाने के लिए, ठीक है, और किसी मीडियम आने के बाद वो रिस्ट्रिक्शन कम हो जाती है। आपकी तरह आप घर में एकदम चूहे बिल्ली की तरह बन जाते हो, और बाहर एकदम शेर खुले सांड की तरह भागते रहते हो। चलो, दिस इज डन।
थ्योरी ऑलमोस्ट हो चुकी है इसकी, अब थोड़े न्यूमेरिकल्स के लिए ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने, मुझे पता भूल चुके होंगे, 11th क्लास में किया था वेक्टर के ऊपर, क्योंकि इसमें पूरा चैप्टर ही वेक्टर से रिलेटेड है। बच्चे जो इस चैप्टर में कोलैप्स हो जाते हैं, फॉल आउट हो जाते हैं इस चैप्टर के अंदर, वो एक्चुअली में वेक्टर को समझ ही नहीं पाते कि होता क्या एक्चुअली। भाई बिल्कुल नॉर्मल सा वेक्टर यूज करेंगे, एकदम तीन चार बातें लिखवा रहा हूं, इन्हीं को याद रख लो, इनको समझ लो, सारे जितने भी सवाल हैं, जितने भी सब सवाल हो जाएंगे। अब न्यूमेरिकल करने का तरीका बता रहा हूं मैं इसमें कि कैसे आप न्यूमेरिकल को डील करोगे। देखो चार्जेस तो नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, राइट। न्यूमेरिकल जब आप कर रहे हो इलेक्ट्रिक फोर्स में, तो पहली बात याद रखना वेक्टर से डील कर रहे हो, ठीक है, किससे डील कर रहे हो आप, वेक्टर से। हम यहां पे क्या निकाल रहे हैं, केवल हम यहां पे केवल क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। डायरेक्शन की बात आएगी तो हम डायरेक्शन अलग तरीके से निकालेंगे। इन दोनों बात को समझो, यहां पे वेक्टर से डील कर रहे हैं क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे बहुत सारी तमाम क्वांटिटी जो वेक्टर है। तो ऑलमोस्ट आप देखना लगभग पूरी फर्स्ट बुक में, पूरी फर्स्ट बुक में लगभग आप सिर्फ वेक्टर ही पढ़ रहे हो, पूरी फर्स्ट बुक में सारा वेक्टर है। यस, पहला दूसरा तीसरे में थोड़ा, तीसरे में आ जाता है स्केलर, करंट वगैरह उसमें है तो स्केलर है, फोर्थ पूरा वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, टॉर्क वगैरह, फोर्स उसमें भी है, पूरा वेक्टर है वो। फिफ्थ चैप्टर में तो थे वो तो बहुत सिंपल थ्योरीज है, सिक्स में भी लगभग पूरा उसमें भी स्केलर ही है, बट स्केलर इसमें स्प्लक्स वगैरह आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सेवन चैप्टर एसी है, वही लगभग पूरा वेक्टर है, वही समझ लो, मतलब एक तरह से हम वहां पे एसी और डीसी करंट को वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो बट हाँ एक तरह से वही वेक्टर, लेकिन उसमें इतना आप वेक्टर यूज नहीं करोगे, मतलब एक से लेके चार तक के चैप्टर चलेंगे, वन टू फोर भाई टोटली वेक्टर समझ के चल लो, ठीक है, टोटली वेक्टर है, मतलब आपको नोटेशन हर जगह यूज करना पड़ेगा वेक्टर का ऑलमोस्ट। तो मैग्नीट्यूड की जब हम बात करते हैं, तो बच्चों जब भी आप फोर्स निकाल रहे हो, चाहे कोई भी साइन हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आपको लेना पॉजिटिव है, क्या लेना है, चाहे चार्ज नेगेटिव हो चाहे चार्ज पॉजिटिव हो, आपको सिर्फ पॉजिटिव ही लेना है। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा रहे हो इलेक्ट्रिक फोर्स का, ठीक है, ये फॉर्मूला जो आप लगा रहे हो, इसमें केवल आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, तो चार्ज का जो भी साइन गिवन है वो साइन आपको यूज नहीं करना है, ठीक है, चार्ज का साइन यूज नहीं करना है, अपन को ये नहीं करना, चार्ज का साइन यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी कतई यूज नहीं करना है, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे डायरेक्शन जब आप निकालते हो, तो डायरेक्शन का मतलब टेन थीटा, ठीक है, या जब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं तब उसमें हम डायरेक्शन की बात करते हैं, अदरवाइज डायरेक्शन आपको लिखना है तो मोस्टली आप लिखना अलोंग वगैरह करके, ऐसे करके आएगा अलोंग बी ए, अलोंग ए बी, ऐसे करके डायरेक्शन है, जैसे हमने अभी जो वेक्टर फॉर्म कर देते हैं उसमें अलोंग ए बी अलोंग बी ए आया था, वैसे डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। चलो पहले फॉर्मूले लिखवा देता हूं मैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स में ये सारी बातें मैं दोबारा समझा दूंगा। तो बस एक बात इसमें मुझे समझानी थी कि जब भी आप वेक्टर से डील करो, कोई कुछ भी वेक्टर कर रहे हो कोई सा भी, तो चार्ज का जो भी साइन गिवन है उस साइन को यूज नहीं करना, बस ओनली आपको उसका मैग्नीट्यूड यूज करना है, चाहे नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, या पॉजिटिव चार्ज हो, तो आपको माइनस साइन किधर भी यूज नहीं करना है, ओके। माइनस साइन कहाँ यूज करते हैं वो मैं एक क्वेश्चन में बताऊंगा, एक ही क्वेश्चन है उसका है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है बट उसका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक लूंगा एग्जाम्पल लेके, कि आप जब वैक्टर से डील कर रहे हो तो वैक्टर में चार्ज के माइनस साइन कब नेग्लेक्ट नहीं करना है, लेकिन अभी फिलहाल जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उन सब में हम जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज का साइन होगा नेगेटिव वगैरह उसको हम यूज नहीं करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। चलो ओके, क्या क्या पढ़ लिया पहले ये देख लो, इसमें न्यूमेरिकल्स टाइम
सबसे पहले हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स, और इसको हम बोलते हैं कुलोम्बियन फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, कुलोम्स लॉ आप कह सकते हो, उफ कुलोम्स लॉ, उफ कुलोम्स लॉ, ऐसे हो गया। तो क्या था, F इक्वल टू के टाइम्स क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, इतना याद रखो। K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। K हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट भी होता है, ओके। यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12 पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर और कूलम्ब स्क्वायर होता है। चलिए सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है, ठीक है। दूसरी बात, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला फॉर्मूला यूज किया तुमने, है ना, वेक्टर वेक्टर भी लिख देता हूं मैं, जो वेक्टर फॉर्म है इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर वेक्टर क्यू, और आर वेक्टर यहां पे भी आ जाएगा, है ना, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। तीसरा जो इसके अंदर फॉर्मूला है बच्चों, यानी कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, रिलेटिव परमिटिविटी, क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, यानी इप्सिलॉन आर या के, इसे हम क्या बोलते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होगी, कि इप्सिलॉन आर है दैट इज, यानी एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, है ना, और क्या होता है यहां पे, ई एम अपॉन में ई नॉट, यही था फॉर्मूला। ई एम इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फिर यहां से हमने फोर्स का एक अनादर फॉर्मूला लिखा था, फोर्स इन अ मीडियम इज एफ वैक्यूम अपॉन में, एफ वैक्यूम अपॉन में ई, यानी के, के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। अभी तक हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, अब इसके बियॉन्ड आपको क्या पढ़ना है, और इसके बियॉन्ड आपको क्या पढ़ना है और फॉर्मूला, वो देख लो। अब अगर यहां पे एक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बहुत सारे फोर्स हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके, और ना आपको भी जाना है, ना आपको इतना डिटेल में जाना, मुझे इतना डिटेल में जाना है। सिंपल सी बात है, पढ़ते आ रहे हो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बहुत पढ़ा है आपने, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर किसी एक चार्ज पे, किसी एक चार्ज पे, सिंगल चार्ज पे बहुत सारे चार्ज मिलकर फोर्स लगा रहे हैं अलग अलग, ठीक है, तो मान लो एक कोई भी चार्ज है उस पर फोर्स लग गया F1 पहले चार्ज के द्वारा, दूसरा चार्ज F2 फोर्स लगा रहा है, तीसरा F3, चौथा F4 एंड सो ऑन, ऐसे करके नंबर ऑफ फोर्सेस हो गए, तो जो टोटल फोर्स हो जाएगा ना, टोटल फोर्स, टोटल फोर्स जो नेट फोर्स होगा, टोटल फोर्स, ठीक है, ऐसा हम नेट फोर्स भी बोलते हैं या रिजल्टेंट फोर्स भी बोलते हैं, टोटल फोर्स जो होगा वो इन सभी फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा, क्या होगा, वेक्टर सम, यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हो, इतना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, है ना। चलो ये हो गया फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, इसको थोड़ा और छोटा लिख देता हूं, जो फिफ्थ है यहां पे बच्चों, अगर दो फोर्स एक दूसरे के पैरेलल है, क्या है, दो फोर्स एक दूसरे के पैरेलल है, अब पैरेलल कैसे कैसे हो सकते हैं भाई, एक फोर्स ये लग गया इसी के डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स ये लग गया, या तो ऐसे हो सकता है दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, ओके, तब यहां पे जो नेट फोर्स होगा एफ नेट क्या आ जाएगा, इन दोनों फोर्स को आप क्या करोगे, सिंपली ऐड कर दोगे, ओके। अच्छा इसको आप वेक्टरली ऐड मत करना, मैग्नीट्यूड में ऐड करना, ये सीधा मैग्नीट्यूड लिखा है, रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं इसको हम, तो रिजल्टेंट फोर्स ऐसे हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, एक बार नोट कर लो सारा चीज,
पॉज करके नोट कर लेना। चलो आगे, अगर दो फोर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, इसे क्या बोलते हैं हम, एंटी पैरेलल है अगर एक दूसरे के, तब क्या होगा ये, यानी एक फोर्स तो ये हो गया और दूसरा फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में, या तो ऐसे होगा या बच्चों ऐसे होगा, ये F1 हो गया और ये F2 हो गया, ठीक है, ये हो गया एंटी पैरेलल। तब यहां पे जो F नेट होगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, F1 माइनस में F2, और यहां पे F1 क्या हो जाएगा, F2 से बड़ा होना चाहिए, ये ध्यान रखना। 7, अगर दोनों फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ऐसे होगा ना, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये F1 है और ये F2 है। अच्छा, परपेंडिकुलर का मतलब रिजल्टेंट फोर्स कैसा होना चाहिए, ऐसे, इसको हम बनाएंगे, इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको हम लिखेंगे ना, तो यहां से एक रेक्टेंगल बना देना, और जिसका डायगोनल होगा रेक्टेंगल का वो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा। ओके, ये F1 फोर्स है, तो इसका जो यहां से रेक्टेंगल बना देना, दोनों फोर्स अगर परपेंडिकुलर है तो रेक्टेंगल बना के जो इसका डायगोनल होगा वो क्या होगा, एक्चुअली में रिजल्टेंट फोर्स होगा। और मान लो ये एंगल क्या है, यहाँ पे अल्फा है, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तब यहां पर आप देखोगे तो जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, ऐसे होगा बच्चों ये। और यहीं पे क्या आएगा, टेन अल्फा होता है डायरेक्शन, ये क्या देगा हमें, डायरेक्शन देगा, यहां से आप डायरेक्शन निकालोगे बच्चों, इसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगी 180, इससे पहले वाले में डायरेक्शन क्या होगी 0 डिग्री, ठीक है। चलो, ये डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल, जहां भी डायरेक्शन निकालो वहां पे आ जाता है एंगल। 8, अगर दो फोर्स एक दूसरे के किसी एंगल थीटा पर इंक्लाइंड है, ठीक है, ये मान लो F1 है और ये F2 है, एंगल थीटा बना रहे हैं, तब यहां पे क्या करना है आपको, यहां पे एक पैरेललोग्राम बनाना है, क्या बनाना है, पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज बनाना है, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, जो डायगोनल रिजल्टेंट देगा, पढ़ा था ना, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां पे फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा का अंडर रूट, ऐसे होगा, राइट। अब यहां पे मान लो ये अल्फा एंगल है, ठीक है, डायरेक्शन विद F1, तो कैसे निकालोगे, डायरेक्शन विद F1 निकालना है आपको, तब यहां पे जो आपका आंसर आएगा बच्चों 10 अल्फा करके, दो डायरेक्शन विद F1 निकाल रहे हो, ये हो गया यहां पे ना, तो F1 ऐसे रहेगा, तो आप इसको जब लिखोगे तो इसके सामने वाला F2 हो गया, तो F2 साइन थीटा, समझो इसको बच्चों, F2 साइन थीटा, F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ये डायरेक्शन हो गया, F2 साइन थीटा, F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ऐसे समझो, ये F1 हो गया ना यहाँ पे, तो भाई इसके सामने वाला F2 हो गया, तो F2 साइन थीटा, ठीक है, और सेम F2 कॉस थीटा, ये डायरेक्शन वाला हो गया। आप लोगों ने किया था 11th क्लास में जब रिजल्टेंट निकाल रहे थे दो वेक्टर का, तब आपने ये सवाल सॉल्व किया था, इस तरीके से आपने किया था। तो देखिए, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये फॉर्मूला इन सभी का बाप है, याद रखो, मतलब ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है, इसी से सारे फॉर्मूले बनते हैं, इसी से सब फॉर्मूले बनते हैं, थीटा 0, 90, 180 जो भी है, सब इसी से बनेगा, ठीक है, सारे सवाल इसी से होंगे, ये ध्यान रखना, ऑलमोस्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल्स में अक्सर इसे यूज किया जाता है।
चलिए एक आखिरी चीज और बताने जा रहा हूं, आपने पढ़ा है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन था ये, जो एक्स्ट्रा पढ़ते हैं उनको तो पता होगा, लेमिस थ्योरम। आखिरी कॉन्सेप्ट है ये लेमिस थ्योरम। है क्या ये? ये तब यूज कर, थ्री कंकरेंट फोर्स, थ्री फोर्सेस कंकरेंट एट अ पॉइंट। कंकरेंट का मतलब क्या होता है? जब तीन लाइन या तीन फोर्स एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करते हैं तो उसे हम कंकरेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो थ्री फोर्सेस कंकरेंट एट अ पॉइंट, आर कंकरेंट लिख लो। तो मान लो ये हमारे पास एफ वन फोर्स है, ये हमारे पास F2 फोर्स है, और ये मान लो F3 फोर्स है। तो लेमिस थ्योरम के अनुसार जो यहां पे नेट फोर्स हो जाएगा, नेट फोर्स यानी F1 प्लस F2 प्लस F3, ये जीरो हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में होगा, तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में, तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। तो देखो मान लो F1 के सामने वाला अल्फा एंगल है, इसके सामने वाला एंगल गामा है, और F2 के सामने वाला एंगल क्या है? बीटा है। ऐसे सामने सामने अल्फा F1 के सामने, F2 के सामने बीटा, F3 के सामने गामा। तो लेमिस थ्योरम में यही है, F1 अपॉन में साइन अल्फा, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ साइन, है ना। F1, और इससे पहले जो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कोसाइन है, ओके, ये लॉ ऑफ साइन है। F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन में साइन बीटा, और F3 अपॉन में साइन गामा, ठीक है। ये थोड़ा याद रखना, एक ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। चलिए अब बाकी न्यूमेरिकल्स हैं, तो लेट्स, इट्स शो टाइम फॉर द न्यूमेरिकल्स। सो चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। देखो बच्चों, ये वाला सवाल नीट 2020 में आया हुआ था, एनसीईआरटी का ही सवाल है, ठीक है। नीट में यहाँ पे जो वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम की जगह 1.6 दे रखी है मेरे ख्याल से, और एनसीईआरटी का ही सवाल है, बड़ा प्यारा सा सवाल है। एनसीईआरटी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए पूछ रखा है। क्या पूछा है? एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स of their mutual attraction of electron and proton, ठीक है, when they are one angstrom apart। देखिए हमें इसमें acceleration calculate करना है, तो बड़ा simple सवाल है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या क्या given है, दो यानी कि दो charge particle है, electron और proton, okay, electron और proton है, ठीक है। इनके बीच में जो distance है वो कितना है? 1 angstrom का है। 1 angstrom का मतलब 10^-10 meter। 1 angstrom का मतलब 10^-10 meter हो जाएगा, ओके। एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। इन दोनों चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा? के इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। अगर आप देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, 1.6 × 10^-19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज होता है, राइट। तो यानी हमें एक्सेलरेशन ए निकालना है, और ये क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1। आप एक काम करो, यहाँ पे 9 ले लेना, 9 दे रखा है वैसे तो, 9 × 10^ या 9.1 × 10^-31 इंटू ए इक्वल टू k की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10^9। दोनों चार्ज की वैल्यू सेम है तो भाई इसका स्क्वायर हो जाएगा 1.6 × 10^-19 का स्क्वायर हो जाएगा। भाई दोनों चार्ज प्रोडक्ट में और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है भाई? 10^-10, 10^-10 का स्क्वायर। कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। देखो ये तो कट गया, यहां पे 9.1 लगभग 9 ही हो जाएगा, ये कट गया दोनों, राइट। तो एक्सेलरेशन यहां पे क्या आ जाएगा?
10 की पावर 9 है ये, 1.6 का स्क्वायर कितना हो गया 2.56, 1.6 का स्क्वायर 2.56, 16 का स्क्वायर 256 हो जाता है, ठीक है। और इंटू में 10 की पावर 9 इंटू में माइनस 19 का स्क्वायर, भाई पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो माइनस 38, 19 दूनी 38 हो जाएगा, और बट्टे में 10 की पावर 10 दूनी 20, माइनस 20 हो जाएगा। और ये 10 की पावर 31 है, ये भी बच्चों ने नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा, है ना, 10 की पावर जो माइनस 31 है नीचे आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो बस, 2.56 इंटू में देखिए ये कितना हो जाएगा, 38 में से 9 हो गया तो माइनस 29 हो गया, है ना, और यहां पे इनको जोड़ोगे तो कितना हो गया, माइनस 51 हो गया, यानी कि दोनों को अगर ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 की पावर 11 में से 9 हो गया 2, 3 में और 4 में से 2 हो गया 2, तो टोटली यहाँ पे 22 आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इतना एक्सेलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई, सॉल्व कर लेना पावर्स को, जोड़ना घटाने वाला सवाल है। तो ये कुछ नीट में आया सवाल था और वहां पे उसका आंसर मेरे ख्याल से 10 की पावर 22 ही था, जहां तक मुझे याद है, केवल 10 की पावर यहाँ पे 1.6 ही था, 1.6 एंगस्ट्रॉम ही था, ठीक है, तो 10 की पावर आंसर 22 आंसर आया था उसका। तो चलिए ये है एक अच्छा सा सवाल काफी, जिसमें एक्सेलरेशन पूछा गया है। देखिए बच्चों अगला सवाल ये है नेक्स्ट, इसमें क्या है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ एंड 3 × 10⁻⁷ प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी दो चार्ज है बच्चों, दो चार्ज जिसमें एक की वैल्यू तो है 2 × 10⁻⁷ और दूसरे की वैल्यू है भाई 3 × 10⁻⁷। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर का, कितने का है 30 सेंटीमीटर का। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, फॉर्मूले में पुट कर रहे हो, तो सारी यूनिट एक ही सिस्टम में होनी चाहिए, या तो आप MKS में रखो या CGS में रखना, ठीक है। 30 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करोगे 30 × 10⁻²⁰ मीटर हो जाएगा, और इसको साइंटिफिकली लिखोगे तो 3 × 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। ये जो जीरो है इसकी वजह से यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा और −2 + 1 क्या हो जाएगा −1 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, डायरेक्ट सवाल है, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू K × Q1 Q2 / R2। ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये 9 × 10⁹ चार्जेस 2 × 10⁻⁷, दूसरा चार्ज 3 × 10⁻⁷ और डिवाइड में R, R की जगह 3 × 10⁻⁹ का स्क्वायर हो जाएगा। कर लो सॉल्व, सॉल्व करोगे देखो ये तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, है ना, और यहां पे पावर्स ऐड कर लो, 9 में से 7 गया 2, 2 में से 7 गया −5, ये 3 का जो स्क्वायर 9 होगा ये कट जाएगा, यहां पे 2 3 6 आ जाएगा, यहां पे 6 × 10⁻⁷ कितना आ गया, तो ऊपर 9 में से 7 गया -2 −5 और नीचे 2 × 1 = 2 −2 आएगा, तो −5 + 2 तो 6 × 10⁻³ न्यूटन, ठीक है, इतना होना चाहिए आंसर। 2 × 3 = 6 हो गया, 9 में से 7 गया 2 −5 और +2 −3, ओके। देखिए सवाल, अगला सवाल ये है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 μC ड्यू टू अनादर स्फीयर ऑफ चार्ज −0.8 μC इन एयर इज 0.2 N। मतलब है कि दो चार्जेस हैं, उनके बीच में फोर्स 0.2 N का है। सवाल है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, दोनों स्फीयर के बीच में डिस्टेंस क्या है, फिर व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। बड़ा सिंपल सवाल है बच्चों, यहाँ पे क्या है, एक चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी है 4 μC की, 0.4 μC, दूसरे चार्ज की वैल्यू है −0.8 μC। अच्छा माइक्रो नैनो मिली इनका मतलब क्या है, 1 μC होता है 10⁻⁶ 1 nC होता है 10⁻⁹ 1 mC होता है 10⁻³ ठीक है,
ये बेसिकली तीन यूनिट्स होती हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है, मिली, माइक्रो और नैनो, इनका याद रखना, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो नाउ इनके बीच में डिस्टेंस क्या है वो हमें कैलकुलेट करना है, और एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हो कितना लगा रहे हैं, 0.2 न्यूटन लगा रहे हैं। अच्छा, फोर्स क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2 / R² होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, है ना। सो 0.2 इक्वल टू K की वैल्यू 9 × 10⁻¹, Q1 हमारे पास कितना है 0.4 × 10⁻¹, क्योंकि 1 माइक्रो कितना होता है 10⁻¹ के बराबर होता है। ऐसी Q2 क्या हो जाएगा 0.8 × 10⁻¹। अब बच्चों देखिए, मैंने यहां पे ना माइनस का साइन यूज नहीं किया है, क्यों, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, सिंपल मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड यूज कर रहा हूं। तो जब भी आप वेक्टर से डील कर रहे हो, उसका मैग्नीट्यूड से, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हो, तो आपको नेगेटिव साइन यूज नहीं करना है कहीं भी। तो पट्टे में क्या है, आर स्क्वायर आ जाएगा भाई, 2 से 1 कट जाएगा 4 पे 2 पे कट गया, ये डेसिमल दोनों कट गया, 2 × 4 हो गया। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लो, 9 यहां पर है और 0.8 ही हो गया, 9 × 8 = 72, 7.2, ठीक है, और इंटू में 10⁻¹ में, अच्छा, और ये भी इंटू हो जाएगा 7.2, और इंटू में 2 भी रह गया ना, तो ये कितना हो जाएगा 14.4 हो जाएगा भाई, 9 में से 6 गया 3, 3 में से 6 गया -3, है ना। तो यानी कि नीचे क्या, ओ ये क्या आ जाएगा 1.44 या 144 लिख लो आप, × 10⁻², स्क्वायर हटाओगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। अच्छा माइनस टू कहां से आया भाई, ये डेसिमल हटाऊंगा, अच्छा माइनस फोर हो जाएगा ना, ये डेसिमल आ जाएगा तो -4 हो जाएगा, और ये कितना आ गया 12, और ये कितना हो गया 10⁻², तो कितना आंसर आएगा 0.12 मीटर आंसर आएगा। अब पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, बच्चों इसका आंसर बड़ा सिंपल है, फोर्स तो होगा 0.2 न्यूटन ही, यही रहेगा फोर्स, क्यों रहेगा, बिकॉज ऑफ आपको पता है दोनों चार्जेस हैं एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो यानी अपोजिट डायरेक्शन, और लिख देना साथ में यहाँ पे इन अपोजिट डायरेक्शन, तो सेम फोर्स रहेगा, ठीक है, क्योंकि दो चार्जेस न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, टू चार्जेस एग्जर्ट्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर। देखिए अगला सवाल ये है, 4 पॉइंट चार्ज है, QA 2 μC, QB -5 μC, QC 2 μC और QD 5 μC माइनस में, आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइड 10 cm, व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज 1 μC प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। देखो जब भी आप न्यूमेरिकल करो ना, तो एक बात याद रखो कि भाई क्वेश्चन पूरा पढ़ो और ध्यान से पढ़ो, अगर आपके क्वेश्चन समझने की एबिलिटी ही कमजोर होगी, वीक होगी, तो आप सवाल नहीं बना पाओगे, कॉन्सेप्ट भी नहीं लगा पाओगे और समझ में भी नहीं आएगा, क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे। तो सबसे पहला काम होता है भाई क्वेश्चन को समझना, ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद सवाल करना है। देखिए यहां पे क्या बोला गया है, 4 पॉइंट चार्ज है, उनकी वैल्यूज ये दे रखी है हमें, कहां पे रखी हुई है, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, और स्क्वायर की साइड है 10 cm, क्या है 10 cm। तो देखिए सबसे पहले तो फिगर आउट कर लेते हैं इसको, तो अगर आप क्वेश्चन को फिगर के थ्रू मैनिपुलेट कर पा रहे हो, तो क्वेश्चन को करने का क्वेश्चन और आसान हो जाता है, और उसकी जो समझ है और भी ज्यादा हो जाती है। तो जैसे लेट कर लो, यहां पे चार्ज है QA, ये चार्ज QB है, इसको हमने QC कह दिया और इसको QD कह दिया, कंटिन्यूअस कहना है, कई बच्चे क्या करते हैं, QA कह दिया, इसको यहाँ पे QC, फिर इसके बाद इसको यहाँ पे कह दिया QD वगैरह, तो ऐसे उल्टा सीधा यहाँ पे ABCD को भी गलत लिखते हैं। आप एकदम क्रम वाइज चलो, बिल्कुल एकदम प्रॉपर ऑर्डर तरीके से लिखो, ABCD नाम दीजिए इसका, उसके बाद आप सॉल्व कीजिए सवाल। नाउ व्हाट, अब यहाँ पे सेंटर पे, सेंटर का मतलब क्या है, जहां पे इस स्क्वायर का डायगोनल इंटरसेक्ट करेगा वो सेंटर होगा, सही है गलत, सही है भाई, है ना। यहां पे क्या रखा हुआ है, 1 μC का चार्ज रखा है, कितना 1 μC,
और हमें इसी पर फोर्स निकालना है भाई। क्या निकालना है? फोर्स। अब देखिए बच्चों, ये तो हमारे पास 2 माइक्रो कूलम्ब है और क्यूसी भी 2 माइक्रो कूलम्ब है। क्यू भी हमारे पास है -5 माइक्रो कूलम्ब और क्यूडी है -5 माइक्रो कूलम्ब। अच्छा, ऐसे सिचुएशन में ना मोस्टली जो आंसर होता है वो जीरो होता है। ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली आंसर जीरो ही पाया जाएगा, देख लेना। चाहे सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल हो या हेक्सा रेगुलर हेक्सागोन हो, एक कैसा भी शेप हो, आप देखना मोस्टली केस में आंसर जीरो ही पाया जाता है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स हो। तो देखो यहां पे, अब जरा हम अब क्या करना है। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं यहां पे, अगर दो लाइक चार्ज है, यानी दो लाइक चार्ज है यहां पे, अगर दो लाइक चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड दिखानी है आपको, बाहर की तरफ चोंच निकाल देने, तीर जो है बाहर की तरफ निकाल दे, चीरते हुए दिखा देना है, ठीक है। और अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज है तो जो तीर है ना दोनों चार्ज की तरफ दिखा देना, ठीक है। अगर लाइक चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो तीर बाहर की तरफ, और अगर अपोजिट चार्ज है तो तीर अंदर की तरफ, एक दूसरे की तरफ दिखा देना, ठीक है। ये फोर्स की डायरेक्शन है और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। जब हम आगे पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं पे आपको समझा दे रहा हूं मैं। अब यहां पे देखो भाई, ये चार्ज है, इसको पकड़ लो, इसके साथ जब इंटरेक्ट करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों चार्ज क्या है? लाइक चार्ज है भाई, प्लस है ना दोनों चार्ज, ओके। अब सेम ये 1 माइक्रो कूलम्ब इसके साथ इंटरेक्ट करेगा और इसकी भी डायरेक्शन यानी बाहर की तरफ आउटवर्ड हो जाएगी। लेट कर लो ये क्या है, F3 है। मैंने इस तरीके से लिखा है, ये मान लो फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड है, ये थर्ड चार्ज है और ये फोर्थ है, तो F1 और F3 मैंने इसको बोल दिया। अब आप देखो ये दोनों जो चार्ज है इनका जो मैग्नीट्यूड है सेम है, इन दोनों चार्ज का और इन दोनों चार्ज का, ये दोनों जो चार्ज बना रहे हैं, एक जो A और O पे रखा है और एक O और C पे रखा है, ये तीनों चार्ज आपस में सेम मैग्नीट्यूड बना रहे हैं, मतलब एक तरह से पेयर वाइज प्रोडक्ट वाइज कह रहा हूं। तो अगर हम F1 निकाले तो क्या आ जाएगा भाई, F1 हो जाएगा KQ यानी 2 माइक्रो कूलम्ब और इनटू में 1 माइक्रो कूलम्ब अपॉन में व्हाट, जो भी ये डिस्टेंस है इसको हम R R R R कह देते हैं, ठीक है, ये R स्क्वायर हो गया। ऐसे बच्चों F3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, K इनटू में F3 मतलब ये वाला फोर्स, ठीक है। F3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 इनटू में 1 और अपॉन में R स्क्वायर। तो ये जो डायरेक्शन होगी इसमें ये हो जाएगी अलोंग OA और इसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग OC हो जाएगी। अब देखो इन दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो तो बराबर आ रहा है ना, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो भाई नेट फोर्स क्या हो जाएगा इन दोनों पे, जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओके। तो ये रिजल्टेंट फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में, तो F1 माइनस F3 कर देना तो ये जीरो हो गया। चलो एक तो ये हो गया, अब ऐसे ही यहां पे आपको क्या करना है, इन दोनों का निकालना है। अब जैसे जो 1 माइक्रो कूलम्ब और -5 माइक्रो कूलम्ब, दे आर अनलाइक चार्ज, तो इस केस में डायरेक्शन क्या हो जाएगी, -5 माइक्रो कूलम्ब की तरफ हो जाएगी, और इस केस में डायरेक्शन क्या हो जाएगी, -5 माइक्रो कूलम्ब। क्यों भी है तो मैं इसको F2 कह देता हूं और इसको मैं F4 कह देता हूं। तो आप देखोगे जो F2 है वो क्या हो जाएगा, के इंटू में 5 इंटू 1 अपॉन में वॉट, आर स्क्वायर। अच्छा माइक्रो मैंने ऐसे छोड़ दिया है, उसको नहीं लिया है, और ऐसे यहाँ पे जो F4 हो जाएगा बच्चों, K इंटू में 5 इंटू में 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ये है अलोंग OB और ये वाला है अलोंग OD, ठीक है। लेकिन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अगेन तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स इस पे भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इस पे भी जीरो हो जाएगा। सो टोटल फोर्स क्या हो गया बेटा, टोटल फोर्स इज जीरो, कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। ये तो आपको लिख के दिखा दिया मैंने, हालांकि एमसीक्यूज में ही आया ये सवाल, आया एक बार आया था मेरे ख्याल से एमसीक्यूज में पूछा गया है। चलो अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, ये वाला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ पे तीन चार्ज रखा है, क्यू क्यू और क्यू, ठीक है। सभी का मैग्नीट्यूड सेम है और इस ट्रायंगल का जो साइड है वो क्या है, एल है। इस ट्रायंगल की साइड क्या है, एल है। व्हाट इज द फोर्स
ऑन चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी इसके सेंट्रोइड पे, सेंट्रोइड क्या होगा, जब हम इन तीनों लाइन को ज्वाइन कर दे, जहां से तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते, जिस पॉइंट पे आके इस ट्रायंगल की जो मीडियन होगी जिस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेगी, उसे हम सेंट्रोइड बोलते हैं, यानी सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस पर नेट फोर्स क्या है ये निकालना है। देखो यहां पे आप लेमी थ्योरम लगा सकते हो। लेमी थ्योरम में क्या था कि अगर तीन फोर्स कंकरेंट है तो जो नेट फोर्स होता है उस इन दैट केस जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि इस पे भी आंसर जीरो ही आएगा। वैसे तो बच्चों बता दिया मैंने पहले आंसर, अगर निकालना है तो देखो ये कैसे हो जाएगा, ये जो क्यू और ये वाला क्यू है, ठीक है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, ये फोर्स इधर हो जाएगा, इसको मैं एफ वन कह देता हूं। सेम यहां पे जो सेकंड चार्ज है इस क्यू में और इस क्यू में भी अगेन फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, ये इस तरफ होगी फोर्स की डायरेक्शन यहां पे, और इसके लिए फोर्स की डायरेक्शन क्या पे होगी, इस तरफ हो जाएगी। आप इसको ऐसे बना के देख लो सिचुएशन को, ये सिचुएशन बच्चों ऐसे बन गई, यानी एफ थ्री एफ टू और एफ वन। भाई ये वाला जो एंगल है ना ये 120 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 120 का। अब आप देखो कि भाई ये वाला Q और ये Q सब में एक्चुअली पेयर वाइज जो चार्ज का डिस्चार्जेस है, पेयर वाइज स्मॉल Q कैपिटल Q, ठीक है, वो सेम रहेगा। तो यानी यहां पे जो F1 F2 और F3 है इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, आप चेक कर लो चाहो तो, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा इसको मैं R बोल दे रहा हूं बच्चों, ये तो डिस्टेंस सेम ही रहेगा, मैंने निकाला नहीं है R क्या है यहाँ पे, सपोज अभी हम नहीं निकाल रहे हैं, R को ऐसे छोड़ दो, राइट। अब देखिए यहां पे F1 इधर है, F2 और F3 इस तरफ है, तो क्या करेंगे, ऐसे एक पैरेललोग्राम बना देंगे, क्या बना देंगे, पैरेललोग्राम। ये जो यहां पे डायगनल होगा इस पैरेललोग्राम का, ये क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो यानी कि रिजल्टेंट अगर आपको निकालना है, रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3, ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर 2F2 इनटू F3 इनटू में cos 120, ये हो जाएगा। यानी कि वो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला यूज करोगे। अब F2 F3 तो बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो भाई फोर्स क्या हो जाएगा, तो मैं F2 F3 को F लिख सकता हूं, तो भाई जब दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, 2F स्क्वायर हो जाएगा, ये तो हो गया 2F स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ये रिजल्टेंट लिख देते हैं हम यहां पे, ठीक है, ये 2f स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला f2 f3 बराबर तो ये भी 2f स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन cos 120 क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा, cos 120 की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 होती है, 2 से 2 कट जाएगा भाई, तो यहां पे क्या बचा, 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर, 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर, क्या आ जाएगा, f स्क्वायर का अंडर रूट, तो जो रिजल्टेंट आ जाएगा f2 और f3 का वो क्या हो जाएगा, f के बराबर हो जाएगा। मतलब ये एक्चुअली में F1 और F भाई दोनों बराबर है, भाई ये वाले फोर्सेस सारे बराबर हैं, इनको मैंने F ही कह दिया, वैसे लेट्स से F ही हो गए, ठीक है, ये सारे फोर्सेस बराबर है, तो भाई रिजल्टेंट भी किसके बराबर हो गया, F के बराबर हो गया, तो इसका दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगेन जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा भाई, F माइनस में F1 इक्वल टू जीरो, तो नेट फोर्स यहां पे भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। वरना लेमी थ्योरम, सीधे लेमी थ्योरम से पता चल रहा है कि भाई तीन फोर्स अगर कंकरेंट होते हैं तो उनका जो वेक्टर सम होता है वो जीरो होता है, रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे क्वेश्चन आपने देख लिया होगा मेरे ख्याल से, अब तो आप स्टडी स्टडी सबने कर दिया होगा, तो ये कि ये सवाल है, काफी अच्छा क्वेश्चन है इससे पहले वाला, बट इसमें नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता, हमें यहां पर क्या करना है, ये क्वेश्चन में हमें हर एक चार्ज पर टोटल फोर्स निकालना है कि भाई हर चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। बच्चों आप देखो यहां पे ये जो तीनों चार्ज रखे हैं वर्टेसेस पर, यानी कॉर्नर्स पे ट्रायंगल के, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये जो एक चार्ज है दो चार्ज के साथ, बाकी अदर जो टू चार्ज है उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, सेम ये वाला चार्ज इन दोनों चार्ज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और जो बी पे चार्ज है वो सी और ए से इंटरेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं फोर्स ऑन चार्ज ए एंड बी, ए और बी पे हम पहले फोर्स निकाल रहे हैं, इन दोनों पे फोर्स बराबर होगा, क्यों होगा देख लो पहले। देखिए अगर मैं इस पे निकालता हूं
एट ए, यानी चार्ज जो है, यानी कि फोर्स एट, हम निकाल रहे हैं फोर्स एट चार्ज Q3, इसकी बात करते हैं पहले। अब देखो ये जो चार्ज है इसके साथ जब इंटरेक्ट करेगा तो दोनों लाइक चार्ज है, तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी बिकॉज ऑफ सेकेंड चार्ज। इसको मैं क्या कह देता हूं, F2 कह देता हूं, फोर्स एक्टिंग ऑन थर्ड ड्यू टू टू, तो मैंने F2 बोल दिया इसको, ठीक है। अब ये जो Q3 है इसके साथ जब इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि दोनों अनलाइक चार्ज है, तो फोर्स की डायरेक्शन चार्ज की तरफ हो जाएगी, है ना। इसे हम क्या कह देते हैं, F1 कह देते हैं। F1 is the force due to charge Q1 on Q3, और F2 is the force due to charge Q on Q3, okay? अब देखो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, क्योंकि देखो इन ये दोनों क्या है, किसी एक एंगल पे इंक्लाइंड है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ये एंगल 60 का है, लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 120 का हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, अगर दो वेक्टर इंक्लाइंड है किसी भी एंगल पे, दो वेक्टर अगर ऐसे इंक्लाइंड है तो क्या करना है आपको, उससे पैरेललोग्राम बना देना है, और जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा बच्चों वही क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे एक पैरेललोग्राम बना देना इस तरीके से, ठीक है। ये यहां पे पैरेललोग्राम बन गया, और यहां से ए से जो लाइन आएगी ये डायगोनल, ये क्या होगा, यही हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, यही क्या है पे, रिजल्टेंट फोर्स होगा, ओके। अब सेम यहां पे भी मैं इसी की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि दोनों पे सेम फोर्स लगने वाला है। देखो अभी जो Q चार्ज है जब इससे इंटरेक्ट करेगा Q3 से, ठीक है, तो यानी दोनों लाइक चार्ज है, तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी, दैट इज लेट कर लो इसे F3, फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू थ्री, राइट। अब ये जो Q और ये माइनस Q दोनों इंटरेक्ट करेंगे तब यहां पे फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, दोनों लाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, तो यहां पे F1 हो गया, F1 इज द फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अगेन यहां पे ये वाला एंगल कितने का होगा, 120 का ही होगा ना, इसी की तरह बनेगी बिल्कुल सिचुएशन। देखो ये दोनों जो पेयर है ना और ये वाला पेयर बराबर है, ये Q और माइनस Q और यहां वाला Q माइनस Q का पेयर बराबर है, तो इसलिए दोनों पे सेम फोर्स एग्जर्ट होने वाला है। अगेन यहां पे आप पैरेललोग्राम बना दो एक भाई, तो ये जो रिजल्टेंट होगा यहां पर ये वाला, ये रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं फोर्स एट Q3, जरा इसको देखते हैं, ठीक है। फोर्स एट Q3 पे क्या होगा, F1 और F2 भाई दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि सभी चार्ज की वैल्यू बराबर है, माइनस प्लस से कोई लेना देना है ही नहीं, तो भाई मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो जो F1 और F2 है और F3 भी, F1, F2, F3 इस तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है भाई, और वो क्या हो जाएगा, K Q स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा, सभी का, सभी दो चार्ज के बीच में, यानी हर दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस L का है, तो L स्क्वायर हो जाएगा, ओके। इसको मैं क्या कह देता हूं, F कह देता हूं, लेट्स से इट इज F, ठीक है। मैंने यहां पे इन सभी को मैंने F कह दिया कि सारे फोर्सेस F के बराबर है। अब नाउ बच्चों यहां पे जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट फोर्स ऑन एफ ऑन 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 क्यू थ्री, तो क्या आ जाएगा, यानी एफ आर इक्वल टू अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस में एफ टू स्क्वायर टू एफ वन इंटू एफ टू कॉस 120, ऐसे हो जाएगा ना, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला ये। तो भाई एफ आर क्या हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट, आप देख सकते हो दोनों फोर्स जो है बराबर है, तो भाई 2F स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस में ये भी 2F स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि F1 F2 बराबर है, और F into F, F स्क्वायर हो जाएगा, cos 120 कितना हो जाएगा, माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2F स्क्वायर और माइनस F स्क्वायर क्या हो जाएगा, F स्क्वायर का अंडर रूट किसके बराबर हो गया, F के बराबर। तो यहां पे जो रिजल्टेंट फोर्स है, यानी फोर्स एफ आर, इसको मैं एक चीज और कहता हूं, रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज थ्री, ठीक है, एफ आर थ्री कह देते हैं इसको, तो ये एफ के बराबर हो गया, दैट इज के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये लिख देना। अब बच्चों डायरेक्शन की बात आती है, डायरेक्शन क्या होगी, अब डायरेक्शन देखो जरा, ये डायरेक्शन है ना, और ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, यानी अलोंग बी सी, क्या लिखोगे यहां पे, अलोंग बी सी, ये डायरेक्शन आपको मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। ऐसे ही यहां पे फोर्स ऑन Q2,
यानी एफ आर टू लिख दो इसको बेटा, तो के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर सेम फोर्स आएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में डायरेक्शन हो जाएगी, आप देखो डायरेक्शन किसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इस वाली साइड के पैरेलल है, यानी अलोंग एसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये अलोंग एसी हो जाएगा। ये वाला केस तो ठीक था कि भाई दोनों बराबर आ गया, ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, लेकिन इस वाले केस में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब जरा इस वाले केस को समझते हैं, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, एक बार देख लो ये कैसे है। अच्छा, सिंबलाइज आप कैसे भी कर लो भाई, मैं जैसे कर रहा हूं वो कर रहा हूं, आपको जो अच्छा लगता है, इससे आसान सिंबलाइज करना है तो आप सिंबलाइज कर सकते हो, सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फर्क पड़ता है सवाल समझ में आना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। चलिए अब ये जो थर्ड चार्ज है ना, इसकी बात करते हैं, ठीक है, थर्ड चार्ज की बात करते हैं भाई। थर्ड में क्या है, देखो ये माइनस क्यू इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी, यानी एफ टू का मतलब एफ थ्री, F3 का मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q3, और सेम बच्चों यहां पे भी ऐसी हो जाएगा, ये है ना, ये भी डायरेक्ट, क्योंकि माइनस क्यू और प्लस क्यू है तो ये दोनों ऐसे इंटरेक्ट करेंगे। अब यहां पे आपको देखा, आप देख सकते हो C पर जो फोर्स है दोनों, एक F3 और एक F2, मैं ज्यादा वो नहीं कर रहा, F3 का मतलब नॉर्मल समझ लो कि भाई फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q3, और फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। यहां पे ये जो एंगल बनेगा 60 का बनेगा, देख सकते हो ये वाला क्या है, ट्रायंगल की साइड, दो साइड्स के बीच का एंगल है 60 का होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई, 60 का एंगल हो जाएगा, और यहां से आपको क्या करना है, पैरेललोग्राम बना देना है। तो ये जो रिजल्टेंट आप देख रहे हो, ये वाला, ये रिजल्टेंट, ठीक है, ये वाला रिजल्टेंट जो है यहाँ पे, ये यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो यानी फोर्स, फोर्स ऑन चार्ज क्यू वन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन चार्ज क्यू वन अगर आप निकाल रहे हो तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, अंडर रूट एफ टू स्क्वायर प्लस एफ थ्री स्क्वायर प्लस टू एफ टू इंटू में एफ थ्री इंटू में कॉस 60 हो जाएगा ये, ठीक है। एफ टू स्क्वायर प्लस एफ थ्री स्क्वायर यानी दोनों फोर्स बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, टू एफ स्क्वायर प्लस में ये भी क्या हो जाएगा, टू एफ स्क्वायर इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, टू से टू कट गया भाई, तो ये आ जाएगा 3f स्क्वायर यानी f अंडर रूट 3 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू अलग आई है ना, दिस इज डिफरेंट वैल्यू, रिजल्टेंट फोर्स ऑन वन है ना, तो f r1 जो हो जाएगा बच्चों वो आ जाएगा k q स्क्वायर बाई l स्क्वायर रूट 3। अब यहां पे डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन बहुत जरूरी है भाई, डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो ये किस तरफ हो जाएगी, अलोंग मीडियन हो जाएगी, ठीक है, क्या लिखोगे, अलोंग मीडियन, अलोंग मीडियन हो जाएगी, ठीक है, अलोंग मीडियन फ्रॉम सी, फ्रॉम सी वर्टेक्स। तो ये वाला सवाल कुछ इस तरीके से है, इसी प्रकार और भी सवाल है, चलो करते हैं नेक्स्ट सवाल। सो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ टू पॉइंट चार्ज इज 7 माइक्रोकुलम, दो पॉइंट चार्ज का सम 7 माइक्रोकुलम है, दे रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। रिपेल का मतलब भाई लाइक चार्ज है, हो सकता है दोनों नेगेटिव हो और हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है। व्हेन केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, हर एक चार्ज की वैल्यू क्या, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो लेट कर लेते हैं भाई, ये हमारे पास एक चार्ज क्यू हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 7 माइनस क्यू माइक्रोकुलम्ब है ना भाई, दोनों चार्ज का सम क्या है, 7 माइक्रोकुलम्ब है, एक को क्यू लेट कर लिया, दूसरे को 7 माइनस क्यू लेट कर लो, और इनके बीच में डिस्टेंस क्या है बच्चों, 30 सेंटीमीटर है ना। अब देखो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है कितना है, 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू 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 वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा है ना, के इज 9 × 10⁻⁹ और क्यू वन हमारे पास कितना है, क्यू माइक्रोकुलम्ब है, क्यू माइक्रोकुलम्ब का मतलब 10⁻⁶, और दूसरा वाला कितना है, 7 माइनस क्यू इंटू में 10⁻⁶ बट्टे में 30 सेंटीमीटर है भाई, तो क्या चेंज करोगे इसको, मीटर में चेंज करोगे तो 3 × 10⁻¹ हो जाएगा, तो 3 × 10⁻¹ का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा ये कहां से आया भाई, 1 सेंटीमीटर में 10⁻²⁪ होता है, और यहां पे एक जीरो पहले से ही है, तो जीरो की वजह से पावर में 1 जुड़ जाएगा, तो जिसकी वजह से -1 हो जाएगा, सिंपल सी गणित है। नाउ
व्हाट, यहां पे 3 का स्क्वायर 9, तो भाई 9 से 9 कट गया है ना, 9 में से 6 गया 3, 3 में से 6 गया माइनस 3, और q इनटू में 7 माइनस q और बट्टे में 10 की पावर माइनस 2 बराबर 1। सॉल्व कर लो बच्चे इसको, तो ये हो जाएगा 7q माइनस q स्क्वायर माइनस 3 नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो वहां जाके 10 के बराबर हो गया। सो q स्क्वायर माइनस 7q प्लस 10 बराबर 0, ये बन गई आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए, जोड़ने घटाने पे 7, 5 और 2 होता है 5 दूनी 10, यानी 5q माइनस 2q प्लस 10 बराबर 0। फर्स्ट टू लास्ट टू में से कॉमन निकालो, q माइनस 5 और q माइनस 2 इसका फैक्टराइज हो गया, तो q की वैल्यू 5 माइक्रो कूलम और 2 माइक्रो कूलम हो जाएगा। तो भाई दोनों चार्ज जो है, एक 5 माइक्रो कूलम का है और दूसरा 2 माइक्रो कूलम का है, ठीक है। तो ये बड़ा दिलचस्प सवाल था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला सवाल करते, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। अच्छा ये वाला सवाल भी इसी टाइप का एक नीट में आ चुका है, इसी टाइप का एक सवाल नीट में भी आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स सच दैट इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स बिटवीन इज इक्वल टू वेट ऑफ आइदर, वेट ऑफ आइदर। देखो यहां पे क्या बोला है, बड़ा सिंपल सवाल है, दो प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है वो किसी एक प्रोटॉन के वेट के बराबर है, तो हमें बताया पूछा गया कि उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा। यानी दो प्रोटॉन है भाई, ये दो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मतलब ई हो गया ना, एक प्रोटॉन पे चार्ज ई के बराबर होता है, ई इज द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। चलो अब यहां पे भाई ये दो प्रोटॉन है, इसका जो वेट होगा प्रोटॉन का एमजी होगा, है ना, दोनों प्रोटॉन का वेट क्या है एमजी होगा, यानी किसी एक प्रोटॉन के वेट के बराबर है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 21 केजी के बराबर होता है, दिस इज अ मास ऑफ वन प्रोटॉन, ठीक है। तो यानी कि भाई रिपल्सिव फोर्स है, यानी के क्यू दो दो दोनों चार सेम है, ई ई है, तो क्या कर सकते हो के ई स्क्वायर बाई इनके बीच में डिस्टेंस कितना है वो हमें निकालना है, और ये किसके बराबर है वेट के बराबर है, ये वेट हो गया, ठीक है, वेट ऑफ प्रोटोन के बराबर हो गया। अब के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, E कितना है 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर, बटे में R, R हमें नहीं पता है बच्चों, ये हमें निकालना है। M की वैल्यू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg के बराबर है ना, और इंटू में भाई G की वैल्यू कितनी ले ले हम 9.10 ही लेते हैं सपोज, ठीक है, इसको 16 लेट कर लेंगे, इसको 10 लेट कर लेंगे। देखो अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है, तो R स्क्वायर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, 27 वहां जाके दो, एक तो ये रहा 10 है ना, माइनस 26 हो गया, 26 यहां जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, और इसको मैं 1.6 इंटू 1.6 लिख रहा हूं, और ये हो जाएगा माइनस 19 दूनी 38, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, पावर में ये, और बट्टे में क्या आ जाएगा 1.67 आ जाएगा भाई, ये तो कट गया, ये ऑलमोस्ट कट जाएगा, दोनों कटेगा कि नहीं, या अगर चाहो तो इसको काट लो, इसको 16 एकम 16, ठीक है, 1.0 और 70, 16 चौके 64 है ना, और 64 6 0 और 16 48, ऐसे कुछ हो जाएगा, ये 1.043, तो 1 ही लेट कर लो भाई, पूरा ही कट गया ये, राइट, बचा 9। अब स्क्वायर हटा दो इसका भाई, स्क्वायर हटाओगे, अच्छा अभी स्क्वायर रहने दो इसे, 9 इंटू में 10 की पावर, ये तो हो गया 35, 35 में से 38 गया तो माइनस 3 बच गया है ना, और यहाँ पे डेसिमल है तो ये हो जाएगा 16, और यहाँ पे माइनस 3 और ये माइनस 4 हो जाएगा ये, ठीक है, तो यहां से स्क्वायर आप हटाओगे तो ये अंडर रूट 9 इंटू 10 की पावर माइनस 4 और इंटू में 16, 9 की जगह 3, इसकी जगह 4, इसकी जगह माइनस 2, तो कितना आ गया 12 गुना में 10 की घात माइनस 2, यानी कि 0.12 मीटर ही इसका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला सवाल भी काफी बहुत इंटरेस्टेड सवाल है, और नीट में भी ये सवाल पूछा, जो सेकंड पार्ट इसका जो सेकंड पार्ट है ऐसा ही कुछ नीट में आया हुआ सवाल है, मैं बता दूंगा, मैंने है मेरे पास ऐसे क्वेश्चन भी,
बिल्कुल नीट में ऐसा ही कुछ सवाल आया है, लेकिन उसमें 25% का कुछ रोल है, एक चार्ज से 25% निकाल के दूसरे चार्ज को दे दिया, तो लगभग सेम ही है सवाल, कोई अंतर नहीं है इतना बड़ा, लगभग सेम है। और हाँ, ये जो सवाल है बच्चों, ये कंडक्शन वाला सवाल है, यानी चार्ज बाय कंडक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट था उस पे बेस्ड ये सवाल है, तो काफी अच्छा सवाल है। पहले तो सिंपल सवाल पूछा है, टू इंसुलेटेड चार्ज स्फीयर ए बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो चलो पहले पिक्चराइज कर लेते हैं डायग्राम को भाई। ये यहाँ पे दो चार्ज है, इनके सेंटर को ऐसे सेपरेट कर दिया है 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, ये आर हो गया, मतलब 5×10^-1, ठीक है। या आप इसको ऐसे लिख लो, इसका सबसे आसान तरीका 50/100 यानी कि 1/2 मीटर, ठीक है, 1/2 मीटर रख रहे हैं इसको हम। अब हमें नहीं पता कि भाई इनके चार्जेस है, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच इज, दोनों पे जो चार्ज की वैल्यू भाई 6.5×10^-7 कूलम, ठीक है, दोनों पे चार्ज की वैल्यू 6.5×10^-7 कूलम है। तो पहला वाला पार्ट तो बड़ा सिंपल है, यानी फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2/R² होता है, K की वैल्यू 9×10^9 और Q1 और Q2 कितना है 6.5×10^-7, 6.5×10^-7 और बट्टे में R² कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको भाई, इसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, तो इनटू कर लेते हैं पहले, तो देखो 6.5 और 6.5 है, इन दोनों का स्क्वायर क्या होगा, 6.5 और 6.5 का जो स्क्वायर होगा, इसको आप 65 लेट कर लो, इसको आप 60 जमा में 5 लेट कर लेना, ठीक है, तो भाई 3600 तो ये हो गया, 2×12 = 60, ठीक है, 2×12 = 60, 1200 ये हो गया और प्लस में 1200 हो जाएगा, 600 हो जाएगा ये, 2×10 और 600 ही हो गया और 25 ही आ जाएगा, तो कुछ यहाँ पे हो गया ये 4200, तो ये हो गया 4225 हो गया, है ना, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 4225 के बराबर हो गया, तो 9×4225, अब डेसिमल का टोटल 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 पॉइंट आ जाएगा, और नीचे भाई 1/2 का स्क्वायर 4 भी ऊपर आ जाएगा, राइट, 9 में से 7 गया 2, 2 में से 7 गया -5। चलो इतना न्यूटन फोर्स हो गया, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है आगे, तो 9 × 4=36 होता है, वैसे 4 से पहले इंटू कर लो, 25×4=100 यानी कि 4×2=8 और 1×9 = 16, 169 तो ये आ जाएगा यहाँ पे, 4×5=20, हाँ, और 9 से इंटू और कर लो इसको, 9×81 8 और 16×9=144 और 8 कितना हो गया 152, ओके, यानी कि 1521×10^-5 या 1.521×10^3, यहां से 3 यहां पे ऐड हो जाएगा, -2 न्यूटन, इतना न्यूटन फोर्स हो गया भाई, ओके, 1.5×10^-2 न्यूटन ये फोर्स आ गया। चलो अब बी पार्ट देखो, यहां पे सब, यहां पे अच्छी कहानी है, यहां पे अब क्या बोला जा रहा है, यहां पे एक तीसरा स्फीयर है सेम साइज का लेकिन अनचार्ज है, चार्ज नहीं है भाई, उसको क्या किया, कॉन्टेक्ट में लाया गया पहले चार्ज के साथ, देखो ये पहला चार्ज है, इस पर लेट कर लेता हम, क्यू चार्ज है, ठीक है, ये अनचार्ज्ड बॉडी है, क्या है, अनचार्ज्ड बॉडी, राइट, पहले इसको इसके कॉन्टेक्ट में लाया गया, यानी इसको टच कर दिया ऐसे, कॉन्टेक्ट में लाया गया अनचार्ज्ड बॉडी को, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, फिर इनको सेपरेट कर दिया। अब देखो जब टोटल चार्ज क्यों जब सेपरेट करोगे, कुछ चार्ज जो है यहां से यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा बिकॉज ऑफ कंडक्शन, ठीक है, और कितना हो जाएगा भाई, 50-50% चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यहां पे और यहां पे आधा आधा चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना, ये पहला वाला चार्ज है और ये जो हमारे पास अनचार्ज बॉडी थी वो थी, राइट। अब इस अनचार्ज बॉडी को जिसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, Q/2 आ गया, इसको आप सेकेंड वाले बॉडी के साथ कॉन्टेक्ट में लाया गया, ठीक है, और सेकंड वाले पे चार्ज कितना है, क्यू है। अब यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल यहाँ पे टोटल चार्ज Q/2 + Q यानी 3/2 Q चार्ज हो जाएगा।
अब इसको सेपरेट करो, जब आप इसको सेपरेट करोगे तो इसका आधा हो जाएगा, तो ये भाई 3/4 क्यू और ये भी 3/4 क्यू हो गया। ठीक है, ये अनादर चार्ज है और ये सेकंड वाला चार्ज है। अब इन दोनों चार्ज को, पहले और दूसरे चार्ज को दूर दूर रख दिया, ठीक है, ये वाला मिटा रहा हूं मैं। अब इन दोनों चार्ज को दूर दूर रख दिया है, तो यहां पे अब जो चार्ज एक्वायर हो जाएगा, देखिए जरा बी वाले पार्ट में, अब इन दोनों चार्ज को जो यहां पे नया चार्ज हो गया कितना 3/4 क्यू, ये सेकेंड बॉडी है और पहली वाली बॉडी कितनी है q/2, सेम डिस्टेंस पे ही यहां पे रख दिया है, ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद सेकेंड एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ व्हाट इज द न्यू फोर्स बिटवीन ए एंड बी, सेम डिस्टेंस पे रखा गया है। ठीक है, तो यहां पे जो अब नया फोर्स हो जाएगा, न्यू फोर्स k इंटू में 3/4 क्यू इंटू में q/2 और बट्टे में कितना आ जाएगा r स्क्वायर, तो यहां पे 3 × 4 = 8 हो गया, तो 3/8 इंटू में k³² / r² अब आपको यहां पे पूरा कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि हमने ये वाली वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली, कितनी ये रही हमारे पास, तो जो न्यू फोर्स हो जाएगा बच्चों 3/8 टाइम्स हो जाएगा 1.521 × 10^-2, इसको काट लो आप, 8 से काटोगे तो 0.8 × 8 और 7 × 2 = 72 और 0.8 × 8 और 8 × 2 = 8, 40, 3 से इंटू कर लो भाई 3 × 5 = 15, 75, 3 × 0 = 1957, तो यानी 0.57035 × 10^-2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5.703 × 10^-3 न्यूटन, इतना हो जाएगा बाई फोर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का सवाल था। चलिए अगला सवाल ये, 2 point चार्ज है जिसकी वैल्यू क्यू और 2q है, आर कैप्ट एट अ डिस्टेंस डी, कहां पे रखा गया है भाई, दो चार्ज क्यू और 2q है, डी डिस्टेंस पे रखा गया है फ्रॉम ईच अदर इन एयर, एक तीसरा चार्ज है थर्ड चार्ज क्यू इज टू बी कैप्ट अलोंग द सेम लाइन इन सच अ वे डेट, अलोंग द सेम लाइन इन सच अ वे डेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू एंड 2q इज 0, कैलकुलेट पोजिशन ऑफ चार्ज क्यू इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड डी, कैलकुलेट पोजिशन ऑफ चार्ज क्यू इन टर्म्स क्यू एंड डी, ये हमें निकालना है भाई। कैसे करेंगे, देखो यहां पे दो चार्ज है, एक क्यू है और एक 2q है, ठीक है, लेट कॉल इट अनादर चार्ज है, ठीक है, यहीं पे रखा गया है क्यू, लेट कर लो एक क्यू यहां पे रख दिया और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, ये हमारे पास डी डिस्टेंस है, ठीक है, लेट कर लो ये जो क्यू चार्ज है स्मॉल क्यू से एक्स डिस्टेंस पे है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बचा, डी माइनस एक्स बचा, ठीक है, डी माइनस एक्स बचेगा, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू एंड 2q इज 0, देखो क्यू और 2q पे नेट फोर्स 0, इसका मतलब इक्विलिब्रियम हो गया, इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या भाई, कि जो ये जो फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है और इन दोनों के बीच में, ये बराबर है, क्या है बराबर, इसका मतलब यही है कि फोर्स इन दोनों पे जो एक्ट हो रहा है इक्वल फोर्स है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा KQ q/x² इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेम इन दोनों चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स KQ 2q/d − x² तो k से k कट गया, ठीक है, q दोनों कट जाएंगे यहां पे, तो d − x² क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, क्रॉस इनटू करो तो यहां 2 बचा है, तो d − x² हटाओगे तो √2x हो जाएगा, x को वहां ले जाओ आप, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी x + √2x, यहां से x कॉमन निकालो तो √2 + 1 बचेगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी d/√2 + 1 आ जाएगा, ठीक है, इसको कर दो रेशनलाइज बच्चों, रेशनलाइज करोगे √2 − 1/√2 − 1, तो भाई √2² − 1² तो 2 − 1 हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा d × √−1, तो यही आंसर है इसका, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने वाला सवाल है, ये इक्विलिब्रियम का केस होता है भाई, और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है जो फोर्सेस होते हैं तीनों बराबर हो जाते हैं, ये आप समझ के चलो, ठीक है ना, तीनों दोनों जो भी यहां पे दो है यहां पे तो दो बराबर है। देखो बच्चे नीट 2019 में आया हुआ सवाल है, ठीक है,
मैंने बताया था कॉपर वाला जिससे पहले कराया था, नाइन्थ सवाल सेम इसी की तरह सवाल है, ये भी दोनों सेम ही सवाल है ऑलमोस्ट, ठीक है। उसमें क्या था, कंडक्शन था और इसमें इंडक्शन समझ सकते हो, ठीक है ना, कुछ चार्ज ट्रांसफर इंडक्शन ही कह सकते हो, इंडक्शन का ही सवाल वैसे। टू पॉइंट चार्ज है ए और बी हैविंग द चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू एंड रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, फोर्स एक्टिंग इज एफ। इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी देन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम 9/16F, 16/9F, 4/3F और F। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, देखिए यहां पे क्या है, प्लस Q चार्ज है और एक माइनस Q चार्ज है। यहां से 25% चार्ज निकाला, यहां से क्या क्या 25% चार्ज निकाला, 25%, तो कितना बचा यहां पे 75% चार्ज बचा। 75% का मतलब कितना होता है, 3/4, 75/100 हो जाएगा, 25 से कटेगा 3/4 आ जाएगा। ये जो 25% प्लस चार्ज है यहां पे जोड़ दिया तो कितना हो गया, ये प्लस में 25% प्लस चार्ज जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा भाई, 75 हो जाएगा, ये भी 75% हो जाएगा, ठीक है वही माइनस में, तो 75 यानी माइनस 3/4 क्यू हो गया, कितना हो गया माइनस 3/4 क्यू। तो नया चार्ज तो भाई ये हो गया, ये न्यू चार्जेस है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, के इंटू में Q1 इंटू Q2, 3/4 Q इंटू में 3/4 Q और अपॉन में R स्क्वायर, 3/4 गुना 3/4, 9/16 K Q इंटू Q/R स्क्वायर, और यही हमारे पास फोर्स था, तो 9/16 F हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, A ऑप्शन ठीक है इसका, ठीक है A ऑप्शन इसका ठीक है, 9/16 टाइम्स हो जाएगा। देखिए ये वाला सवाल, द स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर है वो, ठीक है, क्या होना चाहिए, यानी स्मॉलेस्ट फोर्स क्या होगा चार्ज के बीच में। स्मॉलेस्ट फोर्स का मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट चार्ज भी होना चाहिए, यानी दो चार्ज अगर स्मॉलेस्ट है, यानी क्वांटम बिटवीन द क्वांटम ऑफ टू चार्ज, क्वांटम ऑफ टू चार्ज फोर्स क्या होगा ये निकालना है। तो क्वांटम ऑफ टू चार्ज का सवाल है भाई, फोर्स क्या हो जाएगा, के इंटू में ई स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर, 9 × 10^9, 1.6 × 10^-19 का स्क्वायर, सारी वैल्यूज बच्चे यहां पुट कर दो, ठीक है भाई। स्मॉलेस्ट चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वही सबसे कम, जो स्मॉलेस्ट चार्ज के पीछे फोर्स है वही स्मॉलेस्ट फोर्स होगा यहाँ पे, ठीक है। सो 9 × 10^9 भाई 1.6 का स्क्वायर होता है 2.56 और ये 10^-38, 9 से इसको इंटू कर लो तो ये कुछ आ जाएगा 2304, है ना, 2304 23.04 × 10^9 में से 38 गया, -29 बचा, यहां से डेसिमल इधर करोगे तो 2.304 × 10^-28 न्यूटन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको भाई, ए ऑप्शन ठीक है इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बच्चों, अ फ्री पिथ बॉल ए ऑफ 8 ग्राम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 × 10^-8 कूलॉम। देखो एक फ्री पिथ बॉल है, फ्री पिथ बॉल है ए, जिसका मास 8 ग्राम है, इस पे कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज 5 × 10^-8 कूलॉम। व्हाट मस्ट बी द नेचर, नेचर का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होगी उस चार्ज की, दैट शुड बी गिवन टू अ सेकेंड पिथ बॉल, उस सेकेंड पिथ बॉल को दिया जा रहा है बी फिक्स्ड 5 cm below द फॉर्मर बॉल इज स्टेशनरी। देखो ये पिथ बॉल है, पिथ बॉल कोई भी हो कह सकते हो आप, ठीक है, कोई एक पिथ बॉल है और इस पे जो चार्ज है बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, कितना है पॉजिटिव 5 × 10^-8 कूलॉम, पॉजिटिव चार्ज इतना है यहां पे पिथ बॉल पे, ठीक है। अब इसका जो मास है वो कितना है, 8 ग्राम मास है, कितना है भाई 8 ग्राम इसका मास है, ओके। अब इसके नीचे एक अनादर पिथ बॉल रखिए, सवाल ये कि इस पिथ बॉल को कितना चार्ज दिया जाए, इस पिथ बॉल को कितना चार्ज दिया जाए और इसका नेचर क्या होना चाहिए ताकि ये वाली पिथ बॉल नीचे ना गिरे, बैलेंस हो जाए, स्टेशनरी रहे, यही पे ठहरी रहे। तो भाई सिंपल सी बात है, जब दोनों पे अपोजिट चार्ज होगा तभी ये जो फोर्स इस अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इस पिथ बॉल के वेट को बैलेंस कर पाएगा,
है ना, ग्रेविटी को बैलेंस कर पाएगा। ठीक है, जब ये फोर्स अपोजिट में होगा और ये फोर्स इस रिपल्शन की वजह से होगा, तो जब दोनों पिथ बॉल पे जो चार्ज है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तभी ये फोर्स जो है इसके यानी जो वेट है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और इन दोनों पिथ बॉल के बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चों, 5 सेंटीमीटर है। समझ आ रही बात? तो यहां पे चार्ज कैसा होना चाहिए भाई, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो भाई पॉजिटिव चार्ज देखो, देखो नेगेटिव वाला हिस्सा तो खत्म। ठीक है, अब हमें ये नहीं, हमें इन तीनों आंसर पे शंका है, इन तीनों में से कोई एक आंसर है, पहला वाला आंसर तो नहीं है। चलिए अब जरा देखते हैं। तो भाई जो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो जाएगा, यानी 9 × 10⁻⁹ के Q1 Q2, यानी Q हमारे पास है 5 × 10⁻¹ इंटू में Q2 upon में, ये हमने इस पे लेट कर लिया क्यू चार्ज है, ठीक है ना, इस पे क्यू लेट कर लिया, और अपॉन में वॉट आर स्क्वायर, 5 × 10⁻²⁻²। क्यों, सेंटीमीटर तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा, राइट, बराबर एम जी, फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर, ये वाला फोर्स इसके वेट को बैलेंस करेगा, 8 × 9.8 कर लो, ठीक है, सॉल्व कर लो भाई इसको, सॉल्व करोगे तो 8 × 72 लगभग कुछ हो जाएगा ये, है ना, तो कितना आ जाएगा ये फोर्स आ जाएगा कुछ हमारे पास 1.5 कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 1.5 की वैल्यू कट जाएगी यहाँ पे, 1.5 रह जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना, तो ऊपर कितना आ गया भाई, क्यू हमारे पास आ जाएगा 8 × 9.8, ठीक है, 5 × 10⁴ − 2² और बट्टे में कितना आ जाएगा भाई, 9 में से 8 गया 1 बचा, 9 में से जो 8 जाएगा वो 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे 90 आ जाएगा, आप 90 कह सकते हो। ओके, इसको सॉल्व कर लो बच्चों, अब इसको भी आप 10 ही लेट कर लो, 10 × 90, ठीक है, और 5 × 8 = 40, 40 × 9 × 10⁻¹ ठीक है। अच्छा एक काम और करना पड़ेगा भाई, ग्राम है ना, ग्राम को केजी में चेंज करना है, तो -3 यहाँ पे और आएगा, यहाँ पे -3 आएगा, तो यहाँ पे -3 और -4, तो -7 हो गया, -7, 9 से काट लो, 9 × 36 और फिर उसके बाद 9 × 36, 9 × 36 यानी 4.44 × 10⁻¹ -7 कूलम्ब होना चाहिए। है कोई ऐसा ऑप्शन, देखो 4.4 है, मैंने इसको 9.8 को कितना लिया, 10 लेट कर लिया था, तो भाई पहला ऑप्शन सॉरी सेकंड ऑप्शन इसका ठीक है, यही इसके नियर बाय आंसर है बिल्कुल, ठीक है, और अगर इसको 9.8 लेके आप सॉल्व करते हो तो पूरा 4.36 इसका आंसर आएगा। अच्छा ये वाला सवाल ऐसा ही एक सवाल नीट में आया हुआ सवाल है, उसमें बस पोजीशन नहीं पूछा है, उसमें 2-3 सवाल आ रखे हैं ऐसे, एक सेंटर वाले पे रखा है बिल्कुल बीचों बीच रख दिया, 2 चार्ज के बीच में, ठीक है, तो ये भी एक नीट में आया हुआ सवाल है, नीट लाइक सवाल है भी, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2 identical charge Q है, each are kept at a distance R from each other, एक तीसरा चार्ज है Q is placed on the line joining the above two charges such that all three charges are in equilibrium, what is the magnitude, sign and position of the charge Q। देखो यहां पे क्या है, 2 identical charge, एक Q है और एक दूसरा Q है, है ना, इनके ही कहीं ना कहीं लाइन ज्वाइनिंग पे एक अनादर चार्ज क्यू रख दिया है, ओके, और पूछा गया है कि इस क्यू का साइन क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और पोजीशन क्या होगी इसकी। तो लेट कर लेते हैं कि भाई ये जो चार्ज क्यू है इन दोनों चार्ज के बीच में, स्मॉल कैपिटल क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है इन दोनों चार्ज के बीच में, वो कैपिटल सॉरी आर है, इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या है, आर है। मान लीजिए स्मॉल क्यू चार्जेस कैपिटल क्यू से एक्स डिस्टेंस पे लाइक करता है, ठीक है, लेट कर लो यहां से x डिस्टेंस पे, तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस x हो जाएगा। अब इन्होंने बोला है थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, किस पे, इक्विलिब्रियम पे, तो भाई जो फोर्स इन दोनों चार्ज के बीच में होगा वो बराबर होना चाहिए, यानी k q q अपॉन में x स्क्वायर इक्वल टू k q q अपॉन में r माइनस x का स्क्वायर, ये सारी वैल्यू कट जाएगी, तो r माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, तो r माइनस x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, दोनों स्क्वायर कट जाएंगे, तो R की वैल्यू हो जाएगी 2x, तो x कितना आ गया भाई, R/2, तो भाई चार्ज तो ये वाला R/2 डिस्टेंस पर लाई करता है, कहां पर, R/2 डिस्टेंस पर लाई करेगा, ओके। अब हमें क्या बताना है कि भाई साइन क्या होना चाहिए, साइन की दिक्कत आ रही है, चलो
अब देखो तीन पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब क्या है कि भाई ये वाला चार्ज और ये चार्ज और ये दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम है, तो इस पे जो फोर्स होगा वही फोर्स इस पे भी होना चाहिए, यानी के क्यू क्यू अपॉन में आर बाई टू का स्क्वायर, और ये हो जाएगा के क्यू क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स ये हो गया और इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स की वैल्यू ये हो गई। तो भाई के से के कट गया, क्यू से क्यू यहाँ पे सॉरी कैपिटल क्यू ये कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और आर से आर भी कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा चार आ जाएगा, तो फोर क्यू इक्वल टू क्यू, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी क्यू बाई फोर। भाई मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू बाई फोर हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमारे पास है। अब बात आते साइन की, भाई सेम साइन होगा अपोजिट साइन होगा। अब खुद ही सोचो बच्चों, भाई इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में कब होगा जब ये इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या होगा अपोजिट होना चाहिए, जो फोर्स है वो दोनों तरफ से लगेगा तभी ये चार्ज क्या होगा स्टेशनरी होगा। सही या गलत, है ना, सही होगा, ऐसी होगा। इक्विलिब्रियम में कब होगा जब ये चार्ज इन दोनों चार्ज से अट्रैक्ट होगा, क्योंकि दोनों चार्ज के बीच में क्या लग रहा है दोनों ही चार्ज जो है आइडेंटिकल है तो ये रिपेल करेंगे, तो ये वाला चार्ज क्या होगा इन दोनों की तरफ जब अट्रैक्ट होगा तभी ये चार्ज स्टेशनरी में होगा, मतलब ये चार्ज इसको खींचे इधर, ये चार्ज इसको खींचे इधर, ठीक है। तो यानी ऑपोजिट साइन एज ऑफ क्यू, तो बी ऑप्शन इसका ठीक है बच्चों। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका, बी ऑप्शन ठीक होगा। देखो बच्चे बड़ा सुंदर सा एक सवाल है, और ऐसा एक सवाल नीट में आ चुका है, दो सवाल आए बल्कि नीट में ऐसे, बिल्कुल हाँ नेट में भी यह सवाल आ चुका है, नेट 2013 में ऐसा कुछ है सवाल, मतलब डायरेक्ट ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट यही है लेकिन सवाल कुछ ऐसा ही है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सवाल है, उसमें थोड़ा इन्होंने क्या कर दिया कि दो पहले सवाल पढ़ लेते हैं। टू स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग मास एम के जी एंड चार्ज क्यू आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट बाय इंसुलेटिंग थ्रेड, ठीक है, ईच वन मीटर लॉन्ग बट ऑफ नेग्लिजिबल मास, इफ थीटा इज द एंगल ईच थ्रेड्स मेक्स विद द वर्टिकल थीटा मेक्स विद वर्टिकल व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेंड, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखो सवाल यह कि यहां पे एक पॉइंट से दो इंसुलेटिंग थ्रेड को ऐसे बांध दिया गया है और यहां पे दो चार्ज लटका दिया गया है, ठीक है, दो स्मॉल स्फीयर है, हर एक का मास क्या है एम के जी है, ठीक है, तो यानी एम जी इसका वेट हो जाएगा, दोनों केस में एम जी वेट होगा, ओके। अब जो थीटा है वो एंगल है और ऐसे बन रही है वर्टिकल एंगल है, थीटा हो गया, राइट, दोनों क्या है सेम चार्ज है इन दोनों पे, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, तो दोनों क्या करेंगे ये जो स्फीयर है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी, इस पे भी ये हो जाएगी, आप एक पे लेट करके चलो फिलहाल, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे तक रिजॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई आप देखो ये और ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो ये थीटा तो ये थीटा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ठीक है। अब ये वाला फोर्स क्या एफ है, तो यहां पे जो ये फोर्स एफ है यही फोर्स एफ हो जाएगा, है ना भाई, ये दोनों ये वाला फोर्स एफ है ये, तो ये भी फोर्स एफ ही होगा अगर आप रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट देखोगे तो। चलिए जो टेन थीटा है वो क्या आ जाएगा, क्योंकि हमारे इस पूरे सवाल में टेन थीटा हर जगह दिख रहा है, टेन थीटा क्या होगा फोर्स अपॉन में ये mg है, ये पूरी लाइन mg की है, तो f by mg हो जाएगा, क्या हो जाएगा f by mg, तो फोर्स क्या हो गया यहाँ पे mg tan थीटा। अब इन दोनों चार्ज के बीच में, अब देखो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, इनके बीच में डिस्टेंस हमें नहीं पता, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस नहीं दे रखा है, ठीक है चलो, और थ्रेड की लेंथ L दे रखी है, लेकिन मान लो डिस्टेंस ये बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है R है, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा R by 2, ये डिस्टेंस R by 2 हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर्स हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में R का स्क्वायर इक्वल टू एम जी टेन थीटा, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा इन दोनों स्क्वायर के बीच में ये फोर्स हो गया, राइट, ये रिजोल्यूशन से आ रहा है एफ बाई एम जी करके। अब बच्चों यहां पे जो आर की वैल्यू वो क्या होगी, अब देखो इस वाले ट्रायंगल में चले जाओ, ये लेंथ एल है, ठीक है,
ये क्या हो गया परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, तो यानी आर अपॉन टू अपॉन में एल क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 2l साइन थीटा, ये वाली वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो यहां पे जब पुट करोगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और k की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई इप्साइलोन नॉट, और r की वैल्यू ये रख दो भाई, तो क्या हो जाएगा 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इनटू में क्यू स्क्वायर इक्वल टू एम जी टेन थीटा, तो क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे 4l स्क्वायर 4mg l square, इसको थोड़ा सा रीअरेंज भी कर रहे हैं, क्रॉस इनटू कर रहा हूं, ठीक है, 4l square sin square theta tan theta, और ये जो 4 pi epsilon naught इसको हम बाहर लिख देंगे, तो देखो जरा ये वाली वैल्यू किससे मैच कर रही है, पहला वाला ऑप्शन ठीक है ना, फर्स्ट वाले से मैच कर रही है, तो ये कुछ ऐसा एक सवाल, नीट में दो सवाल आए इसी तरीके से, ठीक है, तो आज का डिस्कशन तो यहीं तक है, नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, ठीक है, उसी में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल भी पढ़ेंगे, कई सारी डेरिवेशन है, मजा आएगा, और वहां पे आपकी थ्योरी भी पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स तो है ही उसमें, तो सब कुछ बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स थ्योरी सब करेंगे इन वन शॉर्ट वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, और तब तक के लिए लगे रहो, ताबड़तोड़ मेहनत करते रहो, और 2024 का सीबीएसई बोर्ड नीट वगैरह जो भी है सब आप ही का है, ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।